नमस्कार दोस्तों, PCS पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज भारतीय इतिहास का जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन भारतीय इतिहास का समग्रता के साथ अध्ययन करते हैं। पूरा का पूरा भारतीय इतिहास ख़त्म होगा इस पाठ में, और प्रयास किया जाएगा कि पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए एक ही वीडियो में। अगर एक वीडियो में नहीं ख़त्म होता है तो दो वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए, यह भारतीय इतिहास के जो भी प्रश्न हम आप लोग को दे रहे हैं, भारतीय इतिहास का प्राचीन इतिहास, आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास तीन खंडों में विभाजित है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो यह प्राचीन इतिहास रहेगा, प्राचीन इतिहास के प्रश्न रहेंगे, और प्राचीन इतिहास की समग्रता के साथ अध्ययन करेंगे। प्राचीन इतिहास का एक प्रश्न इसमें नहीं छूटेगा, एक प्रश्न इसमें से नहीं छूटेगा। और यह TGT के लिए, PGT के लिए, उत्तर प्रदेश PCS के लिए, मध्य प्रदेश PCS के लिए, झारखंड PCS के लिए, राजस्थान PCS के लिए, या UPSC के लिए, किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए हमारे द्वारा दी गई जानकारी, हमारे द्वारा दी गई सामग्री आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगी। तो आइए दोस्तों, यह प्रश्न देखते हैं। यह सभी नोट्स है और सारे नोट्स हम आपको अवेलेबल कराएंगे। यह प्राचीन इतिहास का नोट्स है, प्राचीन इतिहास की सारी जानकारी इसमें समाहित है। और इसी तरह से अगर हम प्राचीन इतिहास के बाद मध्यकालीन इतिहास और फिर आधुनिक इतिहास और फिर विश्व इतिहास, अगर इतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मान कर चलिए एक प्रश्न बाहर से नहीं आने वाले हैं। सारी समग्रता के साथ आप अध्ययन कर पाएंगे और सारी जानकारी आपके पास होगी। और परीक्षा कोई भी हो, मान लीजिए कोई भी परीक्षा होता है, अगर उसमें 10 प्रश्न आते हैं, अगर 100 प्रश्न आ रहे हैं GK के, अगर 10, 15, 20, 25 जो भी प्रश्न आएगा, अगर इतिहास से संबंधित है तो अगर 10 प्रश्न आता है तो 200 प्रश्नों को आप करेंगे। एक प्रश्न इसमें से ऐसा नहीं होगा कि इतिहास का एक प्रश्न आपसे छूट जाए, अगर आप हमारे द्वारा दी गई सामग्री को फॉलो करते हैं एग्जाम होने तक। तो आप ज़बरदस्त तैयारी कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। जो भी ग्रुप है आपके पास, जो भी शेयर करने का माध्यम है, चाहे एजुकेशनल व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक ग्रुप हो, आप उसे शेयर करिए। चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस सभ्यता के प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं। देखिए, इस सभ्यता का जो पहला अवशेष मिला हुआ है हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में पहली बार जो अवशेष पाए गए हैं, प्रथम अवशेष, वो हड़प्पा स्थल पर प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के मॉन्टगोमरी जिला में है। हड़प्पा जो स्थल है पाकिस्तान के मॉन्टगोमरी जिला में है, और हड़प्पा रावी नदी के किनारे पड़ता है। कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। कि 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता मौजूद रही। हड़प्पा सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय क्रांति माना जाता है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय क्रांति माना जाता है। अगर नगरीय क्रांति की बात हुई है, अगर पहली नगरीय क्रांति अगर हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है, तो दूसरी नगरीय क्रांति क्या है? देखिए, पहली नगरीय क्रांति है सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरी नगरीय क्रांति जो है महाजनपद काल, 600 ईसा पूर्व का, बुद्ध और महावीर का जो काल था 600 ईसा पूर्व में, उसे द्वितीय नगरीय क्रांति बोला जाता है। और तृतीय नगरीय क्रांति बोला जाता है सल्तनत काल को। तो इस तरह से प्रथम नगरी क्रांति, द्वितीय नगरी क्रांति, तृतीय नगरी क्रांति को आप समझ लीजिए। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता कौन है? भारतीय पुरातत्व विभाग के जो जन्मदाता हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? देखिए, जो भारतीय पुरातत्व विभाग की जो स्थापना किए थे वो कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय लॉर्ड कर्जन को जाना जाता है। लॉर्ड कर्जन ने ही 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना किया था। लॉर्ड कर्जन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन किया था, और बहुत सारी घटनाएं लॉर्ड कर्जन के समय की थी। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जो जन्मदाता थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय जाता है वो लॉर्ड कर्जन को जाता है। जन्मदाता कनिंघम थे और स्थापना किया था लॉर्ड कर्जन ने। हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो थी कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कांस्ययुगीन क्योंकि उसमें कांसे के औजार, कांसे के हथियार, कांसे के अफड़ बनाए जाते थे, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। देखिए, कांसा एक धातु है जो पीतल और जस्ता
पीतल और तांबा मिला देने से कांसा बनता है। तो पीतल और तांबा मिला देने से कांसा बनता है। तो उस समय जो तमाम औजार होते थे, हथियार होते थे, औरतों का आभूषण हुआ करता था, वो कांसे से बनाया जाता था, कांसे से बनाया जाता था। इसलिए उस युग को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं देखिए, हड़प्पा सभ्यता बहुत विस्तृत था, बहुत जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसका विस्तार बहुत बड़ा था। तो उसका जो पूरा क्षेत्रफल था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो क्षेत्रफल था 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला था सिंधु घाटी सभ्यता। इस समय भारत का क्षेत्रफल, हमारे देश का जो क्षेत्रफल है, वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है इस समय भारत का क्षेत्रफल। तो वैसे ही हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। और हड़प्पा सभ्यता की जो आकार था, हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। देखिए, इस तरह के प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछते रहते हैं, इसलिए मैं आपको बता देना जरूरी समझता हूँ। तो आइए हड़प्पा सभ्यता की सीमाएँ देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सीमाएँ कहाँ से कहाँ तक थी? देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो सीमाएँ थी, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र है मांडा। वहाँ से उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद तक, महाराष्ट्र के दाइमाबाद तक, उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद तक, और पश्चिम में सूत कांगेडोर बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत है वहाँ, पश्चिम में सूत कांगेडोर से, और पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ तक यह पूरा विस्तार था इसका। तो यही हड़प्पा सभ्यता की कुल सीमाएँ थीं। नदियों किनारे बसे हड़प्पाकालीन नगर कौन कौन थे? देखते हैं नदियों किनारे बसे हड़प्पाकालीन नगर कौन कौन थे। देखिए, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे था, हड़प्पा जो स्थल है वो रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है। लोथवल जो है भोगवा नदी किनारे है। कालीबंगा घग्घर नदी किनारे है। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे है। सुत कांगेडोर दास्क नदी किनारे है। कुड़ाल सरस्वती नदी किनारे है। बनवाली जो है सरस्वती नदी किनारे है। चिंदुड़ो जो है सिंधु नदी किनारे है। तो यह सभी स्थल हैं, चाहे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रोपड़, आलमगीरपुर, सुत कांगेडोर, कुड़ाल, बनवाली, चिंदुड़ो, यह सभी हड़प्पाकालीन नगर थे। और वह नगर किस नदी किनारे बसे थे, हमने यही बताया है। तो दोस्तों, ये देखिए, हड़प्पाकालीन स्थल एवं उसके खोजकर्ता। देखिए, जो हड़प्पाकालीन जो भी स्थल हैं, चाहे हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, रोपड़ हो, लोथल हो, कालीबंगा हो, या जो किस नदी के किनारे हैं, यह तो हमने बता दिया आप लोग को। अब ये स्थल के खोजकर्ता कौन थे, इसके उत्खननकर्ता कौन थे, इस बात की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो के जो खोजकर्ता थे वो राखल दास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर और राखल दास बनर्जी ने मिलकर मोहनजोदड़ो की खोज किया था। मार्टिमर व्हीलर एवं राखल दास बनर्जी। हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे? तो हड़प्पा के खोजकर्ता जो थे वो दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स एवं मार्टिमर व्हीलर जो थे। मार्टिमर व्हीलर थे वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जगह की खुदाई से जुड़े हुए थे। मार्टिमर व्हीलर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों। तो हड़प्पा को खोजकर्ता दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स एवं मार्टिमर व्हीलर। चन्हुदड़ो के खोजकर्ता कौन थे? तो चन्हुदड़ो के खोजकर्ता थे गोपाल मजुमदार एवं अर्नेस्ट मैके। चन्हुदड़ो के खोजकर्ता थे। लोथल के खोजकर्ता थे रंगनाथ राव। कालीबंगा के खोजकर्ता कौन थे? तो अमलानंद घोष एवं ब्रजवासी लाल कालीबंगा के खोजकर्ता थे। बनवाली के खोजकर्ता थे रविंद्र सिंह बिष्ट। बनवाली जो हरियाणा में सरस्वती नदी के किनारे था, वही बनवाली क्षेत्र। तो बनवाली के जो खोजकर्ता जो थे रविंद्र सिंह बिष्ट थे। रोपड़ के खोजकर्ता थे जगदत्त शर्मा थे। सुत कांगेडोर के जो खोजकर्ता थे वो सर मार्क ऑरल स्टाइन सुत कांगेडोर के खोजकर्ता थे। देखिए, जो सुत कांगेडोर था वो हड़प्पाकालीन स्थल था और यह दास्क नदी किनारे स्थित था, दास्क नदी किनारे बलूचिस्तान में।
नगर विन्यास पद्धति मतलब नगर किस प्रकार का था सिंधु घाटी सभ्यता में, इसे देख लेते हैं। देखिए जो नगर विन्यास पद्धति जो थी ये जाल पद्धति पर आधारित था, ग्रिड सिस्टम पर आधारित था। नगर विन्यास पद्धति जो था वो ग्रिड सिस्टम पर आधारित था, जाल पद्धति पर, मतलब कि पूरा का पूरा नगर समकोण था, ऐसे 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 था। यहाँ जो सड़कें होती थी, सड़कें हमेशा संपूर्ण पर काटते थे और सड़क के दोनों किनारे भवन हुआ करते थे, इसे ही ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। नगरों में आयताकार या वर्गाकार चौड़ी गलियाँ होती थीं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। वास्तुकला, वास्तुकला क्या था? भारत में वास्तुकला का आरंभ सिंधुवासियों ने किया था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो थी पहली नगरी क्रांति थी और पहली बार नगरों का विकास हुआ था, नए भवन बनाए गए थे, तरह तरह की नक्काशियाँ हुई थी, इसलिए भारत में वास्तुकला का जो आरंभ किया था सिंधुवासियों ने किया था। सिंधु सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी, बिल्कुल सिंधु सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, यह भी बात हमने बताया, समकोण पर काटती थीं। भवन जो थे दो मंजिला भी थे। देखिए भवन एक मंजिला भी था और दो मंजिला भी था। मोहनजोदड़ो में तमाम ऐसी इमारतें मिली हैं जो दो मंजिला भी थीं। दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। आज जब हम लोग खुद देखते हैं कि जो सड़कें होती हैं, सड़क के दोनों तरफ भवनें होती हैं, इमारतें होती हैं, और जो भवन जो होते हैं इस समय उनके दरवाजे सड़क की ओर खुलते हैं, तो जैसा इस समय है वैसा उस समय भी था, दरवाज़ा सड़क की ओर खुलता था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी। देखिए मोहनजोदड़ो में दो इमारतें थीं, एक अन्नागार था एक स्नानागार था। स्नानागार वह इमारत था जो एक स्विमिंग पूल की तरह था, उसमें लोग स्नान किया करते थे, कोई विशेष अवसर पर ही वह खोला जाता था और उसमें लोग स्नान किया करते थे। और अन्नागार भी एक इमारत था जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत था। अन्नागार वह अन्न कोठार हुआ करता था, अन्नों का भंडारण हुआ होता था, और जो अन्नागार था वो 45 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा था। 45 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा था जो मोहनजोदड़ो का अन्नागार था। फर्श कच्चा होता था, मोहनजोदड़ो में जो फर्श होते थे वो हमेशा कच्चे होते थे, मतलब पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में जो फर्श होते थे, मतलब जो मकान के फर्श होते थे वह कच्चे हुआ करते थे, लेकिन केवल कालीबंगा में पक्के फर्शों के साक्ष्य मिले हैं। जैसे आज आप लोग देखते हैं, आज जो आपका घर होगा वह पक्का फर्श होगा, यकीन करता हूँ पक्का फर्श होगा, जो घर होगा पक्का फर्श होगा, तो वैसा सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में हर नगर में जो फर्श होते थे कच्चे होते थे, केवल एक विशेषता कालीबंगा में थी, कालीबंगा में जो घरों के फर्श हुआ करते थे पक्के मिलते थे कालीबंगा में। कृषि के बारे में जानते हैं कि उसमें कृषि पद्धति कैसी थी। विश्व में कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधुवासियों ने ही किया था। सिंधुवासी चावल, बाजरा, रागी, सरसों आदि का उत्पादन करते थे। देखिए विश्व में कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधुवासियों ने ही किया था, और क्योंकि उस समय सूती वस्त्र भी बनाए जाते थे, सूती वस्त्रों के साक्ष भी मिले हैं। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो कपास बनाए जाते थे उसे मेसोपोटामिया में निर्यात किया जाता था, तो मेसोपोटामिया के लोग या ग्रीस के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के कपास को सिंडन कहा करते थे। तो यह क्लियर होगा, सिंधुवासी चावल, बाजरा और रागी, सरसों आदि का उत्पादन करते थे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में तमाम स्थल थे। लोथल से चावल का साक्ष्य मिला है, लोथल और रंगपुर से चावल का साक्ष्य मिला है। बाजरा का जो साक्ष्य मिला है लोथल और सौराष्ट्र से बाजरा का साक्ष्य मिला है। रागी का साक्ष्य मिला है कालीबंगा राजस्थान से, कालीबंगा से सरसों का साक्ष्य मिला है। देखिए ये जो लोथल है ये गुजरात में पड़ता है, मतलब लोथल और रंगपुर दोनों गुजरात में पड़ते हैं, और लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिला है। बाजरा का जो साक्ष्य मिला है वो लोथल और सौराष्ट्र से मिला है। लोथल भी गुजरात में और सौराष्ट्र भी गुजरात में है। आप गुजरात का नक्शा देखे होंगे तो गुजरात का जो सबसे ऊपरी क्षेत्र है, जो कच्छ की खाड़ी के आसपास का जो क्षेत्र है, उसे सौराष्ट्र बोला जाता था। तो बाजरा का जो साक्ष्य मिला है वो लोथल और सौराष्ट्र दोनों से मिला है।
रागी का साक्ष्य मिला है। रागी जो सरसों की प्रजाति होती है, सरसों ही समझिए, तो रागी का जो साक्ष्य मिला है वो कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा जो घग्गर नदी किनारे हैं और कालीबंगा जो पड़ता है वो राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। सिंधुवासी हल से परिचित थे, सिंधुवासी हल से परिचित थे और हल का जो साक्ष्य मिला है, आप जानते हैं जिस तरह से बैल बैल के सहारे हल जोता जाता है, आज भी वही हल, उसी हल की बात कर रहा हूँ। तो सिंधुवासी हल से परिचित थे और हल का जो साक्ष्य मिला है बनावली से मिला है। बनावली से हल के साक्ष्य मिले हैं। बनावली हरियाणा में है, वहाँ से हल के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। देखिए कालीबंगा राजस्थान में है, बता चुका हूँ। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, खेतों के जोते होने का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। गन्ना का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए गन्ना का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ सिंधु घाटी सभ्यता में, गन्ने से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से भी परिचित नहीं थे, गन्ने से भी परिचित नहीं थे, शेर से भी परिचित नहीं थे। शेर का भी प्रयोग नहीं जानते थे, जानते ही नहीं थे शेर कैसा होता है। शेर से भी परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो हमेशा पूछता है गन्ना किससे परिचित थे या किसे परिचित नहीं थे, समझ लीजिए गन्ना से परिचित नहीं थे, शेर से परिचित नहीं थे, घोड़े से परिचित नहीं थे। पशुपालन देखेंगे, सिंधुवासी हाथी व घोड़े से परिचित थे। देखिए हमने अभी कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शेर से, हाथी से और गन्ने से परिचित नहीं थे। देखिए और यहाँ लिखा है सिंधुवासी हाथी व घोड़े से परिचित थे। तो एक बात बता दूँ, सिंधुवासी परिचित थे, इसका मतलब यह हुआ कि सिंधुवासी घोड़ा तो जानते थे, घोड़ा को देखा भी था, घोड़ा को जानते थे, लेकिन घोड़े थे उसमें, घोड़े को जानते थे भी थे। और गुजरात का एक स्थल है सुरकोटा से घोड़े की अस्थि प्राप्त हुई है। इसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े पाए जाते थे। तो घोड़े को तो जानते जरूर थे, लेकिन घोड़े से परिचित नहीं थे, मतलब घोड़े का उपयोग करना नहीं जानते थे। जैसे अन्य पशु होते हैं वैसे ही घोड़े को छोड़ देते थे, मतलब उस पर सवारी नहीं करते थे, उस पर सामान नहीं ढोते थे, समझते ही नहीं थे कि घोड़े का प्रयोग कैसे किया जाए। तो यहाँ मतलब यह है कि घोड़े का प्रयोग या घोड़े से परिचित इस तरह नहीं थे वो लोग, वैसे महत्वहीन पशु समझते थे। तो सिंधुवासी हाथी व घोड़े से परिचित थे, किंतु उन्हें पालतू बनाने में असफल रहे। मेरे भी कहने का मतलब यही है, घोड़े का साक्ष्य सुरकोटा से प्राप्त हुआ है, सुरकोटा से अस्थि पंजे प्राप्त हुआ है। सिंधुवासियों को गैंडा बंदर भालू खरहा, जिसे खरगोश बोलते हैं, गैंडा बंदर भालू खरहा आदि जंगली जानवरों का ज्ञान था। शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। देखिए व्यापार और वाणिज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार और वाणिज्य कैसा था? सिंधु सभ्यता में मुद्रा का प्रचलन नहीं था, क्रय विक्रय वस्तु विनिमय पर आधारित था। मतलब वस्तु विनिमय मतलब ये किसी के पास अगर आटा गेहूं है तो वह गेहूँ दे दे, और अगर उसे चावल चाहिए तो चावल ले ले, कोई गाय दे दे उसके बदले बकरी लेना है तो बकरी ले ले, यही क्रय विक्रय वस्तु विनिमय आधारित था। मुद्राओं का प्रयोग नहीं होता था सिंधु घाटी सभ्यता में। देखिए सिंधु सभ्यता के लोग अन्य सभ्यता के लोगों के साथ व्यापार करते थे, बिल्कुल व्यापार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार अन्य सभ्यता के साथ था, अफगानिस्तान के साथ था, मेसोपोटामिया के साथ था, ग्रीस के साथ था, इसके मिस्र के साथ था, इन सभ्यताओं के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लगातार व्यापार किया करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुछ वस्तुओं का आयात करते थे और कुछ वस्तुओं का निर्यात करना पड़ता था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। तो देखते हैं ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं थीं जिनका आयात सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किया करते थे। देखिए टीन, सिंधु घाटी सभ्यता में टीन नहीं पाया जाता था। तो टीन का जो आयात किया जाता था वो अफगानिस्तान और ईरान से किया जाता था। तांबा का आयात किया जाता था राजस्थान के खेतड़ी से तांबे का आयात किया जाता था। आज भी राजस्थान के खेतड़ी में तांबे की खाना है और तांबा का उत्खनन भी किया जाता है राजस्थान के खेतड़ी में। तो वहीं से तांबा आयात किया जाता था राजस्थान के खेतड़ी से। टीन का आयात होता था अफगानिस्तान और ईरान से। चांदी का आयात होता था अफगानिस्तान और ईरान से। सोने का जो आयात होता था वो अफगानिस्तान और दक्षिणी भारत से सोने का आयात किया जाता था। शीशा का आयात कहाँ से होता था? शीशा का जो आयात होता था ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान।
ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान, ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से शीशे का आयात करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। लाजवर्त, लाजवर्त एक प्रकार का पत्थर होता था, जैसे मूंगा है पत्थर है, माड़ी का पत्थर है, वैसे ही लाजवर्त पत्थर था। तो लाजवर्त का जो आयात किया जाता था वो मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से, मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से आयात किया जाता था लाजवर्त को। देखिए मेसोपोटामिया क्या है, इस समय आप लोग इराक को जानते होंगे, इराक एक देश है जिसकी राजधानी बगदाद है। तो इराक को ही प्राचीन सभ्यता में मेसोपोटामिया कहा जाता था। तो लाजवर्त का आयात मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से होता था। संभवतः हड़प्पा सभ्यता में शिल्पियों में व्यापारियों का शासन था। देखिए हमेशा पूछता रहता है और हम कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसका शासन था, तो आप समझ सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक नगरी सभ्यता थी और नगरी सभ्यता में व्यापार हुआ करते थे। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता केवल व्यापार पर केंद्रित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लगातार आयात करते थे, निर्यात करते थे, व्यापार किया करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में शासन किसका था, तो उसमें शासन था शिल्पियों का और व्यापारियों का शासन था। सिंधु घाटी सभ्यता में कोई राजा महाराजा नहीं थे, केवल शिल्पी और व्यापारी ही शासन किया करते थे। धर्म, सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में के लोगों का धार्मिक विश्वास कैसा था। हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। बहुत ही अचंभित करने वाली बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर नहीं पाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर नहीं पाए गए हैं, और लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ ऐसे कार्य जरूर हुए जहाँ से लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का भी पालन करते थे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पीपल की पूजा करते थे, जो आज भी सनातन धर्म के लोग करते हैं, पीपल की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह मिला हुआ है, जो स्वास्तिक चिन्ह ऐसे होता है, ऐसे होता है सिंधु घाटी चिन्ह। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सभ्यता के जो लोग थे पीपल की पूजा करते थे, स्वास्तिक चिन्ह भी बनाते थे, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी और पशुपति की भी पूजा करते थे। तो यह सभी लक्षण हिंदू धर्म के हैं। हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। मोहनजोदड़ो की एक मुहर से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। बिल्कुल अभी हमने बताया कि मोहनजोदड़ो की एक मुहर से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी। बिल्कुल कुबड़ वाले सांड की पूजा हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा के साक्ष्य भी मिले हैं, पीपल और बबूल की पूजा होती थी। देखिए कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी, स्वास्तिक चिन्ह मिला हुआ है मोहनजोदड़ो की मुहर से, और वृक्षों की पूजा में पीपल की पूजा और बबूल की पूजा, पीपल और बबूल की पूजा होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में प्रेतवाद, भक्ति और पुनर्जन्मवाद के बीच मिलते हैं, प्रेतवाद, भक्ति और पुनर्जन्मवाद के बीच मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता में, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का विश्वास ऐसा था, कहीं कहीं ऐसा मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अगर अपने मतलब कि अगर अपने परिजनों के शवों को दफनाते थे तो उसमें कुछ खाने पीने वाली चीज़ें रख दिया करते थे, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पुनर्जन्म को भी मानते थे। अंत्येष्टि के प्रकार, मतलब अंतिम संस्कार कैसे होता था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो अंत्येष्टि के प्रकार क्या थे। हड़प्पा सभ्यता में अंत्येष्टि के तीन प्रकार थे, जो अंतिम संस्कार होता था उसके तीन प्रकार थे, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार। तो लोथल से युग्म सावधान का साक्ष्य मिला है। लोथल जो सिंधु घाटी सभ्यता में गुजरात में जो एक स्थल है लोथल, वहाँ से युग्म सावधान का साक्ष्य मिला है। युग्म सावधान का मतलब यह है कि वहाँ स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है लोथल से। लोथल से युग्म सावधान का साक्ष्य मिला है। विद्वान इसको सती प्रथा के रूप में देखते हैं। कुछ विद्वान यह मानते हैं यह सती प्रथा है, हालांकि ऐसा नहीं मानना चाहिए, हो सकता है ऐसा नहीं हो, लेकिन कुछ विद्वान इसे सती प्रथा के रूप में भी देखते हैं कि मतलब कि स्त्री पुरुष अगर एक साथ दफनाए गए हैं इसका मतलब है कि स्त्री सती हो गई है। रोपड़ से मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ जो हरियाणा में पड़ता है, रोपड़ जो सतलज नदी किनारे हैं और सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, यह हरियाणा में पड़ता है। तो रोपड़ से मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य हैं, मतलब मालिक का अगर डेथ हुआ, अगर उसे दफनाया गया तो उसके पालतू कुत्ते को भी दफना दिया गया, इस तरह की बातें थी। आइए लीप देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लीप थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता में लोग लेखन कार्य करते थे, वह कैसा था।
सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि, सिंधु घाटी सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार करने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्जेंडर कनिंघम था। देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता थे अलेक्जेंडर कनिंघम, और इन्होंने ही सिंधु लिपि के बारे में सबसे पहले विचार किया, मतलब सबसे पहले सोचा कि यह सिंधु लिपि है क्या और कैसे इसको पढ़ा जाए। तो सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार करने वाले थे अलेक्जेंडर कनिंघम। सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? सिंधु लिपि को पढ़ने का, हालांकि आज तक पढ़ा ही नहीं जा सका सिंधु लिपि। अगर सिंधु लिपि को अगर पढ़ा जाए, जैसे उसके मुहर पर जो जो चीज़ लिखे गए हैं, उनकी दीवारों पर जो चित्र मिले हैं, जैसे चित्राक्षर होता था कहीं मछली का चित्र कहीं, इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिखते थे चित्राक्षर भाषा में। तो अगर पढ़ा नहीं गया, अगर पढ़ा जाए तो बहुत ही ज़्यादा खुलासा हो सकता है। तो सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार करने वाले थे अलेक्जेंडर कनिंघम। सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किया था एल ए बैडले ने सर्वप्रथम प्रयास किया था सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने का। सिंधु लिपि जो है भाव चित्रात्मक है, मतलब जो आज देखिए यह जो सब लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यह केवल अक्षर है, लेकिन सिंधु लिपि जो थी भाव चित्रात्मक थी। कहीं कहीं अक्षर भी हुआ करते थे ऐसे टेढ़े मेढ़े, तो कहीं कहीं चित्र भी बनाया जाता था और उस चित्र का भी मतलब होता था। तो सिंधु लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। सिंधु लिपि के चित्रों में मछली, चिड़िया और मानवाकृति आदि चिन्ह मिलते हैं। देखिए, सिंधु लिपि जो थी उसमें कहीं कहीं अगर चित्रों में जो चित्र हुआ करते थे उसमें मछली, चिड़िया और मानव आदि के चिन्ह ज़्यादा मिलते हैं, मछली, चिड़िया और मानव के चित्र। सिंधु लिपि जो थी दाएं से बाएं लिखी जाती थी, इम्पॉर्टेंट है, सिंधु लिपि जो थी दाएं से बाएं लिखा जाती थी। देखिए, यह जो हम मान लीजिए यह जो लिखा गया है, यह बाएं से दाएं लिखा गया है, बाईं तरफ से ऐसे लिखा गया है और दाईं तरफ से लिखा गया, बाईं तरफ से दाईं ओर लिखा गया, लेकिन जो सिंधु लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, मतलब ऐसे लिखी जाती थी ऐसे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे देखते हैं। सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक युग में रखा जाता है, सिंधु सभ्यता को, देखिए प्राक ऐतिहासिक युग में रखा जाता है, तो प्राक ऐतिहासिक युग का मतलब क्या होता है आप ये बता दें, हम आपको बताते हैं। देखिए, प्राक ऐतिहासिक युग का मतलब यह होता है कि जहाँ सारे साधन तो मौजूद हैं, मतलब जो भी लिपि है, जो भी भाषा है, जो भी इतिहास है वो मौजूद है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते, तो उसे प्राक ऐतिहासिक युग कहा जाता है। जहाँ साधन तो मौजूद है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसे प्राक ऐतिहासिक युग कहा जाता है। इसीलिए मतलब जो मुहर हैं उस पर कुछ ना कुछ अंकित है, बहुत सारे प्रमाण मिले अंकित हैं, लेकिन हम आज तक पढ़ ही नहीं पाए उसे, इसलिए प्राक ऐतिहासिक युग में रखा गया है। सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? सिंधु सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वो कौन थे? वो द्रविड़ और भूमध्य सागरी थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? सिंधु सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल हैं वो गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। देखिए, आज तक सिंधु घाटी सभ्यता में कुल 350 स्थल खोजे गए हैं, जिनमें से 200 जो है वो केवल गुजरात में खोजा गया है। लोथल एवं सुरकुर्दा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे, लोथल और सुरकुर्दा, और दोनों ही समुद्र के किनारे थे गुजरात में, इसलिए सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। मनके बनाने का कारखाना लोथल और चन्हुदड़ो से प्राप्त हुआ है। मनके बनाने का जो कारखाना है वो लोथल और चन्हुदड़ो से प्राप्त हुआ है मनके बनाने का कारखाना। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें कौन थी? गेहूं और जौ थी। सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख फसल था वो गेहूं और जौ था। तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी, तौल की जो इकाई थी 16 के अनुपात में थी। आज भी आप जानते हैं तौलने की इकाई जो होती है किलोग्राम होता है, कुंटल होता है, ये सब तौल की इकाई होती है। वैसे जो उसमें तौल की इकाई जो थी वो 16 के अनुपात में थी। आप समझ सकते हैं 16 का अनुपात क्या मतलब होता है, मतलब कि जब 16 पारी पूरी हो जाती थी तो फिर वह एक नया पैमाना बन जाता था, तो फिर इसकी जो 16 पारी पूरी होती थी तो फिर वह एक और नया पैमाना बन जाता था। इस तरह से 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग धरती की पूजा सिंधु सभ्यता के लोग धरती की पूजा उर्वरता की देवी मानकर देवी के रूप में करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो धरती की पूजा करते थे और उन्हें उर्वरता की देवी मानते थे।
सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। आपको बता चुका हूँ सिंधु सभ्यता में मातृ देवी और पशुपत की पूजा होती थी। सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक था, सिंधु सभ्यता जो था मातृसत्तात्मक था। देखिए वैदिक सभ्यता जो था पितृसत्तात्मक था, वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता जो था मातृसत्तात्मक था। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित थी, बिल्कुल प्रचलित थी उस समय। हड़प्पा, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी स्थल हैं उनका भी विस्तार से अध्ययन करते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है हड़प्पा उसका अध्ययन करते हैं। हड़प्पा जो था रावी नदी किनारे था, रावी नदी किनारे हड़प्पा जो है पाकिस्तान के मॉन्टगोमरी ज़िले में रावी नदी किनारे हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था। तो हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था और हड़प्पा से क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त हुई हैं वह देखेंगे। शंख का बना हुआ बैल, शंख का बना हुआ बैल हड़प्पा से मिला है, शंख का बना हुआ बैल मिला है। नटराज की आकृति वाली मूर्ति प्राप्त हुई है, शंख का बना हुआ बैल मिला है, नटराज की आकृति वाली मूर्ति प्राप्त हुई है। पैर में सांप दबाए गरुड़ का चित्र मिला है, मछुआरे का चित्र प्राप्त हुआ है, सिर के बल खड़ी नग्न स्त्री का चित्र जिसके गर्भ से पौधा निकाला दिखाई दे रहा है यह प्राप्त हुआ है। मतलब इसे ही उर्वरता की देवी मानते थे, जो सिर के बल खड़ी स्त्री का चित्र था जिसके गर्भ से पौधा निकला दिखाई दे रहा है, इसे उर्वरता का देवी मानकर पूजा किया करते थे। तो ये हड़प्पा से इतनी सी चीज़ें मिली हैं, शंख का बना बैल मिला है, नटराज की आकृति वाली मूर्ति प्राप्त हुई है, पैर में सांप दबाए गरुड़ का चित्र मिला है, मछुआरे का चित्र मिला है, सिर के बल खड़ी नग्न स्त्री का चित्र जिसके गर्भ से पौधा निकला दिखाई दे रहा है ये भी प्राप्त हुआ है, जिसे उर्वरता की देवी मानकर पूजा किया करते थे। ये हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं सारे। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, सिंधु नदी किनारे हैं मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में सिंधु नदी किनारे हैं, सिंध के लरकाना क्षेत्र में पड़ता है मोहनजोदड़ो। 1922 में इसकी खोज जो किए थे राखलदास बनर्जी 1922 में खोज किए थे इसके, मुख्य खोजकर्ता थे राखलदास बनर्जी। वैसे तो मार्टिमर व्हीलर और माधव स्वरूप वत्स भी थे, नहीं माधव स्वरूप वत्स नहीं थे, मतलब राखलदास बनर्जी थे और मार्टिमर व्हीलर थे, राखलदास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर। भवन पक्की ईंटों द्वारा निर्मित था। देखिए मोहनजोदड़ो की जो विशेषता थी उसे हम बताते हैं। मोहनजोदड़ो की विशेषता यह थी कि मोहनजोदड़ो में जो भवन हुआ करते थे, जो मकान हुआ करते थे, वो पक्की ईंटों द्वारा निर्मित थे। भवन जो थे पक्की ईंट से बने थे। भवन में क्या था, सीढ़ी का साक्ष्य मिला है, सीढ़ी थी। प्रवेश द्वार जो था गली में था। कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से मिली है। एक श्रृंगी पशु आकृति वाला मोहर प्राप्त हुआ है, मतलब एक सिंह वाला पशु और उसकी मोहर प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। इसे मौत का टीला भी कहते हैं। देखिए मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मौत का टीला, जैसे कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ, वैसे मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मौत का टीला। तो आइए सब हम लोग एक बार और हम बता देते हैं इसको मोहनजोदड़ो को और समझा देते हैं। मोहनजोदड़ो है सिंध नदी किनारे था, 1922 में राखलदास बनर्जी इसके खोजकर्ता थे। देखिए इसका ट्रिक है, इसका एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है याद करने का, कि भवन जो था पक्की ईंटों द्वारा निर्मित था। मान लीजिए एक भवन है जो पक्की ईंट द्वारा निर्मित है, उस भवन में सीढ़ी का साक्ष्य मिला है, सीढ़ी भी है उस भवन में, उस भवन का जो प्रवेश द्वार है वो गली में है, और उसी भवन में कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है उसी भवन में, एक श्रृंगी पशु आकृति वाला मोहर मिला है उस भवन में, जहाँ एक श्रृंगी पशु आकृति वाला मोहर मिला है, और मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मौत का टीला। लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है लोथल। लोथल के बारे में जानते हैं। लोथल जो पड़ता है गुजरात में पड़ता है। लोथल जो है भोगवा नदी किनारे गुजरात में स्थित है। लोथल से क्या प्राप्त हुआ है, देखिए लोथल जो था समुद्र के किनारे स्थित था, तो लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिला है। गोदीवाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह। लोथल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लोथल से चावल का साक्ष्य मिला है और बाजरा। लोथल से चावल और बाजरा दोनों का साक्ष्य मिला है लोथल से। देखिए लोथल और रंगपुर दोनों से चावल के साक्ष्य मिले हैं, और बाजरा का साक्ष्य मिला है लोथल से भी मिला है और सौराष्ट्र से भी मिला है। तो दो मुँह वाले राक्षस के अंकन वाली मुद्रा कहाँ प्राप्त हुई है, लोथल से प्राप्त हुई है।
लूथल में भी ओ का मात्रा है और दो दो में भी ओ का मात्रा है, मतलब दो मुंह वाले राक्षस की मुद्रा लूथल से प्राप्त हुई है। एक श्रृंगी पशु आकृति वाला मोहर, एक श्रृंगी पशु आकृति वाला मोहर मोहनजोदड़ो से मिला है, इसे हमने बता दिया, और दो मुंह वाले राक्षस के अंकन वाली मुद्रा लूथल से मिला है। पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का अंकन कहाँ प्राप्त हुआ है, तो लूथल से प्राप्त हुआ है। चालाक लोमड़ी, लोमड़ी और लूथल, ये प्रश्न पूछता है पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का अंकन कहाँ प्राप्त हुआ है, लूथल से। ममी का उदाहरण प्राप्त हुआ है लूथल से, मम्मी का मतलब होता है जहाँ दो सौ को एक साथ अपना दिया जाए उसे मम्मी बोलते हैं। जब मैंने युग में सावधान समझिए, तो युग में सावधान और मम्मी एक ही मतलब है, तो मम्मी का उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है, लूथल से। बत्तख, बारहसिंगा, गोरिल्ला के अंकन वाली मुद्रा प्राप्त हुई है लूथल से। बत्तख देखिए, एक मुद्राएँ मिली हुई हैं, मतलब मुद्रा मतलब रुपया सिक्का, तो वो दो मुंह वाले राक्षस के अंकन वाली मुद्रा प्राप्त हुई है, मतलब एक राक्षस है जो जिसका दो मुंह है और इस प्रकार का सिक्का लूथल से मिला है। वैसे ही कुछ ऐसे सिक्के हैं जिस पे बत्तख बना हुआ है, बारहसिंगा है, गोरिल्ला है, बत्तख बारहसिंगा और गोरिल्ला टाइप के जानवर हैं जिनकी मुद्रा भी लूथल से मिली हुई है। कालीबंगा, कालीबंगा एक महत्वपूर्ण स्थल है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कालीबंगा जो है राजस्थान में है, घग्गर नदी किनारे है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। प्राक हड़प्पा एवं विकसित हड़प्पा दोनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से, कालीबंगा से प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा दोनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मतलब पुरानी हड़प्पा सभ्यता और फिर उसके बाद जो विकसित हुई वो भी सभ्यता, दोनों सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। जुते हुए खेत और सरसों के साक्ष्य मिले हैं, सरसों का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से और जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं कालीबंगा से। देखिए कालीबंगा से एक चीज़ और मिला है, एक पल्ली वाले दरवाजे प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से, एक पल्ली वाले दरवाजे भी प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। एक सिंह वाले देवता का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से, एक ऐसे देवता का साक्ष्य प्राप्त हुआ है जिनके सिर पर एक सिंह है और ऐसा साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। कपाल में छेद वाले बालक का सन्न प्राप्त, कपाल, कपाल मतलब आपका सिर, कपाल में छेद वाले बालक का सन्न प्राप्त हुआ है, इसका मतलब है शल्यक्रिया का उदाहरण, मतलब उस समय, इसका मतलब है कि उस समय शल्यक्रिया होता था, चिड़ फाड़ करके लोग इलाज किया करते थे, इसलिए कपाल में छेद वाले बालक का सन्न प्राप्त हुआ है जिसे शल्यक्रिया का उदाहरण मिलता है कालीबंगा से, कालीबंगा से शल्यक्रिया का उदाहरण मिलता है। चन्हुदड़ो, चन्हुदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जो चन्हुदड़ो था इसके जो खोजकर्ता थे यह थे गोपाल मजुमदार और अर्नेस्ट मैके, गोपाल मजुमदार और अर्नेस्ट मैके थे चन्हुदड़ो की खोजकर्ता। चन्हुदड़ो जो है सिंधु नदी किनारे हैं, सिंधु नदी किनारे है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो में क्या मिला है, चन्हुदड़ो में मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। देखिए मनके बनाने का कारखाना चन्हुदड़ो में भी मिला है और लूथल में भी मिला है, लूथल और चन्हुदड़ो में दोनों में मनके बनाने के कारखाना प्राप्त हुए हैं। चन्हुदड़ो में ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले हैं, चन्हुदड़ो में ईंट पर कुत्ता का पदचिन्ह है, कुत्ते के पैर के निशान हैं जो बिल्ली का पीछा कर रहा है, ये चन्हुदड़ो में मिला है। आइए सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है बनवाली, बनावली, बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है बनवाली। तो बनवाली से क्या प्राप्त हुआ है, बनवाली से आपको बता चुका हूँ, बनवाली से हल के साक्ष मिले हैं, तो यहाँ हल का साक्ष नहीं मिला है, यहाँ हल की आकृति वाला खिलौना प्राप्त हुआ है, एक ऐसा खिलौना है जो हल की आकृति का है, मतलब कुल मिलाकर हल है, हल की आकृति का खिलौना है जिसे बच्चे खेला करते हैं, तो इसके साक्ष मिले हैं बनवाली से, बनवाली से हल की आकृति के वाला खिलौने के साक्ष मिले हैं बनवाली से। अच्छे किस्म के जौ, तिल और सरसों की प्राप्ति भी हुई है बनवाली से, बनवाली जो है सरस्वती नदी किनारे हैं हरियाणा के हिसार ज़िले में। रोपड़, सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है रोपड़, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। रोपड़ जो है पंजाब में सतलज नदी किनारे स्थित है, पंजाब में सतलज नदी किनारे स्थित है रोपड़। रोपड़ में क्या हुआ है, रोपड़ में मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, मतलब मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। इसमें क्या है कि एक मालिक है जिसका एक मालिक है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, तो मालिक को दफनाया ही जा रहा है, साथ ही साथ उसके कुत्ते को भी उसी में दफन कर दिया जा रहा है, तो ऐसा साक्ष्य मिला है रोपड़ से, रोपड़ से।
इसका मतलब यह होते इसलिए दफनाया जाता था। हो सकता है कि उस मालिक अपने कुत्ते से ज़्यादा प्रेम करता होगा, तो इसलिए उसने अपने कुत्ते को भी दफन कर दिया उसके साथ। धौलावीरा, जो धौलावीरा क्षेत्र है, धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। धौलावीरा जो है गुजरात के भरूच ज़िले में स्थित है, गुजरात के भरूच ज़िले में धौलावीरा स्थित है, गुजरात के भरूच ज़िले में मतलब कच्छ की खाड़ी में यह धौलावीरा क्षेत्र है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। धौलावीरा जो गुजरात के भरूच ज़िले में स्थित है, जल प्रबंधन के लिए 16 जलाशयों की प्राप्ति हुई है। देखिए धौलावीरा से 16 जलाशय मिले हैं धौलावीरा से, जहाँ से उचित जल प्रबंधन का पता चलता है। सुरकोटता, सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है सुरकोटता। सुरकोटता सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो गुजरात के कच्छ में स्थित है, सुरकोटता। सुरकोटता से क्या प्राप्त हुआ है? सुरकोटता से घोड़े की अस्थि प्राप्त हुई है, घोड़े की अस्थि पंजे प्राप्त हुए हैं सुरकोटता से। सुरकोटता से घोड़े की अस्थि पंजे प्राप्त हुई है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े भी थे। हालांकि घोड़े थे सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन घोड़े से परिचित नहीं थे, वह घोड़े का उपयोग करना नहीं जानते थे। तो घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल सुरकोटता से। सुरकोटता से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य मिले हैं, जैसे आज जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है, वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं सब कुछ खरीद लेते हैं, वैसे सुरकोटता में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था जहाँ सब कुछ खरीदारी हो जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक महान सभ्यता था और उसका पतन कैसे हुआ इसके बारे में भी बहुत मतभेद है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बहुत सारे कारण सामने आते हैं। एक है पारिस्थितिकी असंतुलन, जल प्लावन मतलब बाढ़ आने के कारण भी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया होगा। बाह्य आक्रमण, हो सकता है कि बाहरी लोगों ने आक्रमण कर दिया होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया होगा। नदी मार्ग में विचलन और बाढ़ आना, जलवायु परिवर्तन, ये सभी कारण थे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण थे। विद्वानों में इसमें बहुत भारी मतभेद है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पाकालीन नगरों का क्रम, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूरा क्षेत्रफल था वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में जो बहुत सारे नगर थे, तो उसमें सबसे बड़ा नगर कौन था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा था, हड़प्पा के बाद धौलावीरा के बाद कालीबंगा। मोहनजोदड़ो हड़प्पा धौलावीरा कालीबंगा क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 महत्वपूर्ण नगर थे हड़प्पा कालीन। देखिए यहाँ धौलावीरा के बारे में एक विशेष जानकारी है कि धौलावीरा भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है, क्योंकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों इस समय पाकिस्तान में पड़ता है। देखिए दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गया, ये वैदिक काल है। जो वैदिक काल है, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल आता है। वैदिक काल का जो काल निर्धारण किया गया है, ये दो भाग में बांटा गया है वैदिक काल को। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल का जो पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल आता है। और उसके बाद उत्तर वैदिक काल जो आता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल आता है। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का इसी तरह ही काल निर्धारण किया गया है। तो हम ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता था, एक नगरी सभ्यता था और नगरी सभ्यता था सिंधु घाटी सभ्यता, और वह मातृसत्तात्मक था। लेकिन ऋग्वैदिक काल जो था वो ये मूलतः ग्रामीण सभ्यता था और यह पितृसत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो जीवन था वो व्यापार पर निर्भर था, जबकि ऋग्वैदिक काल के लोगों का जो जीवन था वो पशुपालन पर निर्भर था। तो वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी, ऋग्वैदिक समाज का आधार परिवार था, परिवार जो था पितृसत्तात्मक होता था। ऋग्वैदिक काल में मूलभूत व्यवसाय कृषि व पशुपालन थे, देखिए कृषि और पशुपालन दोनों ही ऋग्वैदिक काल के मुख्य व्यवसाय थे, लेकिन मुख्य व्यवसाय जो था ऋग्वैदिक काल में वो था पशुपालन ही ऋग्वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय था।
कृषि को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। कृषि जैसे कि थोड़ा बहुत कहीं कुछ फेंक देते थे, उगाता था उसी को खा लेते थे, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं था। ज़्यादा ध्यान ऋग्वेदी कार्यों का था पशुपालन में। उत्तर वैदिक काल में जो मुख्य व्यवसाय था वह कृषि बन गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था व्यापार, ऋग्वेदी काल के सभ्यता का जो मुख्य व्यापार था वो पशुपालन था, और उत्तर वैदिक काल की सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वह था कृषि। वैदिक कालीन वेद जो थे, वेदों की संख्या चार थी, वेदों की संख्या कुल चार थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदत्रयी कहा जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों में है कि यह जो वेदत्रयी कहा जाता है इसे कौन कौन वेद शामिल होते हैं वेदत्रयी में। देखिए वेदत्रयी में तीन वेद शामिल होते हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, अथर्ववेद इसमें नहीं आता है। तो हम ऋग्वेद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ऋग्वेद क्या है? इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। देखिए ऋग्वेद में कुल मिलाकर श्लोक हैं, बहुत सारे श्लोक हैं, और वह सभी श्लोक किसी न किसी देवता को समर्पित कर दिया गया है। तो ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है ऋग्वेद। तो इसका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया है। ऋग्वेद के जो सूक्तियाँ हैं, जो मंत्र हैं, उसका संकलन किसने किया है? तो उसका जो संकलन किया है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने। इसका संकलन किया है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10462 ऋचाएँ हैं, मतलब मंत्र हैं। तो ऋग्वेद जो है कुल दस मंडलों में विभाजित है, जिसमें 1028 सूक्त हैं और 10462 ऋचाएँ हैं, मतलब मंत्र हैं, 10462। अगला देखिए, दूसरा एवं सातवां मंडल सबसे पुराना है, इसे वंश मंडल कहते हैं। दूसरा, ऋग्वेद के 10 मंडल में से दूसरा और सातवां, देखिए ये एवन लिखा है, ऐसा नहीं है दूसरा एवं सातवां नहीं है, मतलब दूसरे से लेकर सातवें मंडल तक 10 मंडल हैं, और दूसरे से लेकर सातवें मंडल तक यह सबसे पुराना मंडल है, और इसे वंश मंडल कहते हैं। इसे कुल मिलाकर वंश मंडल कहते हैं। दसवां मंडल सबसे नवीन है, मतलब दसवां मंडल सबसे नया है, उसे सबसे बाद में जोड़ा गया है। दसवां मंडल सबसे नवीन है। ऋग्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित को होता कहा जाता था। देखिए ऋग्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित को होता कहा जाता था, मतलब जो पुरोहित ऋग्वेद का पाठ किया करता था, ऋग्वेद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उसे थी, ऋग्वेद का पाठ करता था, उस पुरोहित को होता कहा जाता था, लोग होता कहते थे या होत्र कहते थे। नौवां मंडल सोम को समर्पित है। ऋग्वेद जो है कुल 10 मंडल में विभाजित है, और नौवां मंडल जो ऋग्वेद जो है कुल 9 मंडल में विभाजित है। तो ऋग्वेद 10 मंडल में विभाजित है, ऋग्वेद जो है 10 मंडल में विभाजित है। दसवां मंडल जो है सबसे नवीन मंडल है, सबसे नया मंडल है। दूसरा से सातवां मंडल तक वंश मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद का नवा मंडल जो है, ऋग्वेद का जो नवा मंडल है सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का नवा मंडल जो है देवता सोम को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है नवा मंडल। दसवें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख मिलता है। देखिए दसवां मंडल जो है ऋग्वेद का जो दसवां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त है, तो पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख मिलता है। पुरुष सूक्त में यह कहा गया है कि एक विराट पुरुष के मुंह से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, और उसकी भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, जंघे से वैश्य की और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो यही कल्पना किया गया है ऋग्वेद के दसवें मंडल के पुरुष सूक्त में, तो इसमें शूद्रों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद एवं ईरानी ग्रंथ जेद अवस्था में समानता पाई गई है। देखिए दरअसल बात यह है कि जेद अवस्था जो है, जैसे ऋग्वेद जो है हिंदुओं का धर्मग्रंथ है, सनातन धर्मियों का धर्मग्रंथ है, वैसे ही जेद अवस्था जो है पारसी लोगों का धर्मग्रंथ है। पारसी जो थे फारस के थे, फारस मतलब ईरान के हुआ करते थे पारसी, और वह बाद में जब वहाँ पर इस्लाम का बहुत ज़्यादा इस्लामी आतंकवादी आ गए, तो उन लोगों ने क्या किया, वहाँ से पारसियों का पलायन हो गया। पारसी लोग आकर भारत आए और गुजरात और राजस्थान के तटों पर बस गए। तो उन लोगों का एक
महत्वपूर्ण ग्रंथ होता है जेद अवेस्ता। जेद अवेस्ता उन लोग का महत्वपूर्ण ग्रंथ होता है। तो जेद अवेस्ता और ऋग्वेद में बहुत सारी समानताएँ पाई गई हैं। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, इसे नदी तमा कहा गया है। ऋग्वेद की जो सबसे पवित्र नदी थी वह सरस्वती नदी थी। हालांकि इस समय सरस्वती नदी लुप्त है, उसकी खोज जारी है, लेकिन वैसे वह लुप्त है सरस्वती नदी। ऐसा नासा ने खोज किया था हाल ही में कि सरस्वती नदी जो है वो धरती के भीतर ही भीतर बह रही है। इस समय नासा ने इसका पता लगाया था, खोज किया था। तो सरस्वती नदी लुप्त है इस समय, लेकिन सरस्वती नदी ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी कहा गया है। और सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया है। नदीतमा कहा गया है ऋग्वेद में सरस्वती नदी को, नदीतमा कहा गया है। नदीतमा का मतलब होता है नदियों की माँ। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। और ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार उल्लेख हुआ है सिंधु नदी का। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, केवल 3 बार ही यमुना का उल्लेख हुआ है। और आप आश्चर्य करेंगे, गंगा जो इस समय सबसे पवित्र और सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख सिर्फ 1 बार ही हुआ है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख सिर्फ 1 बार ही हुआ है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इंद्र का वर्णन सर्वाधिक 250 बार हुआ है। ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख जो हुआ है 250 बार हुआ है। अग्नि का उल्लेख जो हुआ है 200 बार हुआ है। अग्नि का उल्लेख 200 बार और इंद्र का उल्लेख सर्वाधिक 250 बार हुआ है। अस्तु मां सद्गमय, देखिए एक महत्वपूर्ण मंत्र है जो हमेशा गाया जाता है। अस्तु मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु मां अमृतम। यह महत्वपूर्ण मंत्र होता है अस्तु मां सद्गमय। तो यह आपको जानकारी होनी चाहिए कि अस्तु मां सद्गमय जो मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है, किस में है। तो अस्तु मां जो सद्गमय जो मंत्र है यह ऋग्वेद से लिया गया है। अस्तु मां सद्गमय लिया गया है ऋग्वेद से लिया गया है। अस्तु मां सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। अस्तु मां सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया मंत्र है। सामवेद, तो हमने ऋग्वेद के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली। एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, ये जो भी जानकारी दे रहा हूँ बहुत ही सटीक दे रहा हूँ आप लोग को। आप खुद देखेंगे कि इतिहास की 100% तैयारी कराने का विचार है मेरा, जैसा भी हो। हालांकि यह राज होलकर का नोट्स है और बहुत ही अच्छा इनका नोट्स उन्होंने बनाया है, तो उन्हीं का नोट्स है ये जो मेरे पास है। तो फिर मैं जैसा भी हो मैं पूरी जानकारी आप लोग को देना चाहता हूँ। हम पूरा का पूरा भारतीय इतिहास कवर कराएंगे, जिससे मतलब आपका KBS में जो TGT PGT होगा, और हालांकि 5 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में NBS का TGT PGT होगा, उस सभी के लिए उस मतलब 5 सितंबर से पहले हम इतिहास की सारी जानकारी आप लोग को दे देंगे, मटेरियल दे देंगे। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद हो गया। सामवेद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सामवेद क्या है? सामवेद दूसरा ग्रंथ है या भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम ग्रंथ है। देखिए सामवेद जो है भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम ग्रंथ है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि सामवेद में सबसे पहले सारे गामा पाधा निशा इसका उल्लेख है। 7 स्वर जो होते हैं इसकी जानकारी सामवेद में मिलती है। आप खुद सोचिए कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये सामवेद। और इसीलिए सामवेद को भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है और भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है सामवेद को। लेकिन एक प्रश्न यह है कि भारतीय संगीत ही नहीं बल्कि इसे संगीत का जनक कहना चाहिए सामवेद को, क्योंकि उससे पुरानी तो कोई किसी पुस्तक में ये सारे गामा पाधा निशा का उल्लेख नहीं है। कोई संगीत पर आधारित इससे प्राचीन पुस्तक जब है ही नहीं तो इसे भारतीय संगीत शास्त्र का जनक न कहकर संगीत शास्त्र का जनक कहना चाहिए। और यह सभी विश्व के लिए एक धरोहर के रूप में है। इसको पाठ करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहलाता था। सामवेद के पाठ करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। हम बता चुके हैं कि ऋग्वेद के पाठ करने वाले पुरोहित को होता कहा जाता था, वैसे ही सामवेद के पाठ करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था। उद्गाता का मतलब होता है जो गाता हो, मतलब गाता लिखा हुआ उद्गाता कहा जाता था। सामवेद की प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। सामवेद देखिए ऋग्वेद के जो
लिखने वाले थे वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास थे। ऋग्वेद के संकलन किए थे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। वैसे ही सामवेद के जो जनक थे, सामवेद के जो संकलनकर्ता थे वह महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के शिष्य थे जैमिनी को माना जाता है संकलनकर्ता सामवेद का। महर्षि वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है कि उन्होंने सामवेद का संकलन किया था। सामवेद से सर्वप्रथम सात स्वरों सारे गामा पाधा निशा की जानकारी प्राप्त होती है। सामवेद व अथर्ववेद के कोई आड़क नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए, वेदत्रयी किसे कहा जाता है? वेदत्रयी कहा जाता है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद को वेदत्रयी कहा जाता है। वैसे एक प्रश्न हमेशा आता रहता है कि किस वेद के कोई आड़क नहीं है, कोई आड़क नहीं है किस वेद का? तो सामवेद और अथर्ववेद यह दो ऐसे ग्रंथ हैं, सामवेद अथर्ववेद दो ऐसे ग्रंथ हैं जिसकी कोई आड़क नहीं है, जिसका कोई आड़क ग्रंथ नहीं है। सामवेद का उपवेद क्या है? सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्ववेद है। देखिए, चार वेद होते हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, तो हर वेद के भी एक उपवेद भी हैं। जैसे ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद जो है वो धनुर्वेद है, और सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, और अर्थशास्त्र का जो अथर्ववेद का जो उपवेद है वह है शिल्पवेद। तो वैसे ही सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्ववेद। तो ऋग्वेद भी ख़त्म हो गया, सामवेद भी ख़त्म हो गया, अब यजुर्वेद पर आते हैं और यजुर्वेद से जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है उस सब का भी अवलोकन कर लेते हैं। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद में किसकी जानकारी मिलती है? इसमें यज्ञ की विधियों कर्मकांडों पर बल दिया गया है। ऋग्वेद में क्या हुआ कि मंत्रों का संकलन है ऋग्वेद में, सामवेद में गायन करने वाले मंत्रों का संकलन है, और यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों कर्मकांडों पर बल दिया गया है, मतलब यज्ञ कैसे संपन्न कराया जाए इस पर बल दिया गया है कि जो और यज्ञ की कैसी कैसी विधियों कैसा, मतलब कि आप जानते हैं कि यह जब आपके मान लीजिए आपके वहाँ पूजा पाठ होता है तो तमाम तरह की विधियाँ होती हैं कि कैसे क्या सजाया जाए, तो वैसे ही सजावट का जो भी विधि होता है वही होता है यजुर्वेद में। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों और कर्मकांडों पर बल दिया गया है। इसका पाठ करने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहलाता था, इसका पाठ करने वाला पुरोहित अध्वर्यु कहलाता था। ऋग्वेद के पाठ करने वाले पुरोहित जो थे होता कहलाते थे, सामवेद के पाठ करने वाले पुरोहित उद्गाता कहलाते थे, वैसे ही यजुर्वेद के पाठ करने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में 40 मंडल और 2000 मंत्र हैं। यजुर्वेद में 40 मंडल और 2000 मंत्र हैं, 40 मंडल और 2000 मंत्र। ऋग्वेद जो है 10 मंडलों में विभाजित है, वैसे ही यजुर्वेद जो है 40 मंडल और 2000 मंत्रों में विभाजित है। यजुर्वेद में इसमें यज्ञ और यज्ञ बलि की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। हालांकि मैं बताया ही हूँ कि यज्ञ कैसे संपन्न कराई जाए, जैसे पूजा की थाली कैसे सजाई जाए, और फिर जो जहाँ यज्ञ होती है हवन कुंड कैसी हो, कैसी लकड़ी हो, कैसे उसमें बैठने का आसन हो, यह सभी विधियाँ होती हैं यज्ञ की, जो भी विधियाँ होती हैं यह यजुर्वेद में समाहित थीं। तो इसमें यज्ञ और यज्ञ बलि की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। यजुर्वेद में हाथियों के पालने का उल्लेख है कि हाथियों को पालने का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी है, यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय यज्ञ एवं वाजपेयी यज्ञों का उल्लेख मिलता है। तो यजुर्वेद में तीन महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। यजुर्वेद में हाथियों को पालने का उल्लेख मिलता है, हाथियों के पालने का उल्लेख मिलता है, और राजसूय यज्ञ एवं वाजपेयी यज्ञ का वर्णन मिलता है यजुर्वेद में। आगे हम लोग देखेंगे राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ क्या है, आगे देखते हैं। अभी इतना बस जान लीजिए कि हाथियों को पालने का उल्लेख यजुर्वेद में है, और राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ आदि का वर्णन भी यजुर्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तीनों हो गया, अब देखते हैं अथर्ववेद। इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका भारतीय औषधि एवं विज्ञान संबंधी जानकारी दी गई है अथर्ववेद में। अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं,
सौनक और पिपलाद। सौनक और पिपलाद अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं। अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं सौनक और पिपलाद। सौनक और पिपलाद अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ब्रह्मवेद एक उपनाम है अथर्ववेद का। इसमें वास्तुशास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान उपलब्ध है। इसमें वास्तुशास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान उपलब्ध है अथर्ववेद में। देखिए, अथर्ववेद में जादू टोना, टोटका आदि का वर्णन किया गया है। भारतीय औषधियों और मौसम, भारतीय औषधि इन विज्ञान आदि की भी जानकारी मिलती है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में वास्तुशास्त्र का भी अध्ययन होता है। अथर्ववेद का कोई आड़क नहीं है। अथर्ववेद का कोई आड़क नहीं है। हालांकि मैं बता चुका हूँ कि साम वेद का भी कोई आड़क नहीं है और अथर्ववेद का भी कोई आड़क नहीं है। प्रश्न पूछ सकता है परीक्षा में कि किस वेद के कोई आड़क नहीं है, तो इसमें बहुत सारे आप विकल्प रहेंगे, तो आप समझ लीजिएगा साम वेद और अथर्ववेद दो ऐसे वेद ग्रंथ हैं जिसके कोई आड़क नहीं है। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडक मांडुक और प्रश्न है। अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं सौनक और पिपलाद। वैसे ही अथर्ववेद की उपनिषद भी हैं। कुल मिलाकर 108 उपनिषद माने जाते हैं, लेकिन बहुत से उपनिषद विलुप्त हैं, सारे उपनिषदों की जानकारी नहीं मिलती है। तो अथर्ववेद के जो उपनिषद हैं वो कौन कौन हैं? अथर्ववेद के तीन प्रमुख उपनिषद हैं मुंडक मांडुक्य और प्रश्न। मुंडक मांडुक्य और प्रश्न अथर्ववेद के तीन उपनिषद हैं। मुंडक मांडुक्य प्रश्न, मुंडक मांडुक्य प्रश्न। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है। देखिए, राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। परीक्षित कौन थे? परीक्षित जो थे अर्जुन के पोते थे। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के बेटे थे परीक्षित, जिनका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में राजा परीक्षित का भी उल्लेख है। अथर्ववेद में प्रजापति का उल्लेख है। प्रजापति की दो पुत्रियों का भी उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिन्हें मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। अथर्ववेद में राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिन्हें कहा गया है कि यह मृत्यु लोक के देवता हैं राजा परीक्षित। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्म कहा गया है। देखिए, हमने बता दिया कि ऋग्वेद के उच्चारण करने वाले जो पुरोहित थे उन्हें होता कहा जाता था। यजुर्वेद के जो उच्चारण करने वाले पुरोहित थे उन्हें अथर्वर्यु कहा जाता था। सामवेद के उच्चारण करने वाले जो पुरोहित थे उन्हें उद्गाता कहते थे, और अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले जो पुरोहित थे उन्हें ब्रह्म कहा जाता था, और अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद में सभा और समिति की प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, यह अथर्ववेद में उल्लेख है। प्रजापति की दो पुत्रियों का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। आर्ड्यक, हम बता चुके हैं कि सामवेद अथर्ववेद दो ऐसे ग्रंथ हैं जिसके कोई आड़क नहीं है, तो उसी आड़क के बारे में विचार करते हैं। यहाँ पर आड़क क्या है? वनों में रचने के कारण ये आड़क कहलाते थे। आप जानते हैं वन जो होता है, वन जो यानी जंगल, तो उसका जो पर्यायवाची होता है वन को कांतार भी कहते हैं, आड़क कहते हैं, उपवन कहते हैं, इस तरह कहा जाता है। तो वनों में रचने के कारण ये आड़क कहे जाते थे। एक ग्रंथ था जो वनों में रचा गया था, इसलिए उस ग्रंथ को आड़क नाम पड़ा। तो वनों में रचने के कारण इसे आड़क कहते थे। वर्तमान में उपलब्ध 7 प्रमुख आड़क हैं। वर्तमान में इस समय 7 प्रमुख आड़क ग्रंथ हैं। वो कौन कौन हैं? ऐत्रेय, तैत्री, मध्यान्दिन, संखायन, मैत्रायणी, तलवाकार तथा बृहदारण्यक, यह ग्रंथ है आड़क। तो आड़क हो गए। अब उपनिषद की जानकारी प्राप्त करते हैं। ये उपनिषद क्या है? यह भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है। भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है उपनिषद। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत, जनक और पिता कहा जाता है। उपनिषदों का को भारतीय दर्शन का स्रोत, जनक और पिता कहा जाता है, क्योंकि उपनिषद में भारतीय दर्शन का ही उल्लेख है। दर्शन की विचार, दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह ही उपनिषद है। वेदांग, वेदांग क्या है? वेदांग का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंग।
तो वेदांग की जो संख्या है वो 6 है, कुल मिलाकर 6 वेदांग हैं, कुल मिलाकर 6 वेदांग हैं। वो कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद, यह कुल 6 वेदांग हैं। तो शिक्षा जो है वो क्या है? विदाई पुरुष का नाक। देखिए, शिक्षा को अंगों से अगर परिभाषित किया गया है तो शिक्षा को नाक कहा गया है, कि मतलब एक पुरुष है उसकी जो नाक है वो शिक्षा है। व्याकरण को विदाई पुरुष का मुख कहा गया है। छंद को विदाई पुरुष के पैर बताए गए हैं। कल्पसूत्र को हाथ बताया गया है। निरुत को कान बताया गया है। ज्योतिष को आँख बताया गया है। इस तरह से अंगों के रूप में भी परिभाषित किया गया है इसे। वेदों से संबंधित ब्राह्मण ब्राह्मण भी ग्रंथ थे, और इसमें से कौन 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 से ब्राह्मण थे जो और कौन से ब्राह्मण थे और कौन से वेद से संबंधित थे? तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐत्रेय और कौशितकी का इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन कौशितकी भी है। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐत्रेय और कौशितकी। सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो पंचाविंश और जैमिनी। यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं तैत्रीय और शतपथ। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अथर्ववेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है और वह है गोपथ। वेदों से संबंधित उपनिषद, यह तो वेदों से संबंधित ब्राह्मण की बात हो गई। अब वेदों से संबंधित उपनिषद देखते हैं। ऋग्वेद के जो संबंधित उपनिषद हैं ऐत्रेय है। सामवेद के जिससे संबंधित जो उपनिषद है वो छांदोग्य है। यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद जो है बृहदारण्यक यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद है। अथर्ववेद से संबंधित जो उपनिषद है मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न, ये तीनों उपनिषद जो है अथर्ववेद से संबंधित उपनिषद है। वेदों से संबंधित आर्यक क्या है? ऋग्वेद के जो आर्यक ग्रंथ है वो है ऐत्रेय। सामवेद के जो आर्यक ग्रंथ है वो है छांदोग्य और जैमिनी। यजुर्वेद के जो आर्यक ग्रंथ हैं वो है बृहदारण्यक। अथर्ववेद का आर्यक कोई नहीं है। देखिए, हालांकि इसमें देखिए गलत लिखा हुआ है, बिल्कुल ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि इसमें जो सामवेद और अथर्ववेद इन दोनों के कोई आर्यक नहीं है। हो सकता है गलती से हो गया है मिसप्रिंटिंग, बाकी सब सही है इसमें। इसमें ऋग्वेद के जो आर्यक ग्रंथ है वो है ऐत्रेय और कौशितकी। सामवेद का कोई आर्यक नहीं है, ये छांदोग्य और जैमिनी उपनिषद होते हैं। यजुर्वेद के जो आर्यक ग्रंथ है वो बृहदारण्यक है, बिल्कुल। वेदों से संबंधित उपवेद क्या है? तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। ऋग्वैदिक कालीन जो राजनीतिक स्थिति थी वो कैसी थी देखते हैं। कबीलाई संरचना पर आधारित ग्रामीण संस्कृति थी। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति कैसी थी? कबीलाई संरचना पर आधारित ग्रामीण संस्कृति थी, बिल्कुल। राजा को जन सुगोपा पूर्वेत्ता विष्पति गणपति या भूपति कहा जाता था। राजा को जन सुकोपा कहा जाता था, पूर्वेत्ता विष्पति कहा गया है, गणपति या भूपति कहा जाता था। स्त्रियां सभा और समिति और विद्वत में भाग लेती थीं। उसमें सभा और समिति नामक दो संस्थाएं थीं और इन दोनों संस्थाओं में ऋग्वैदिक काल में स्त्रियाँ भाग लेती थीं। हालाँकि उत्तर वैदिक काल में उनको भाग लेने का अधिकार जो था छीन लिया गया, लेकिन ऋग्वैदिक काल में स्त्रियाँ सभा और समिति में भाग लेती थीं। प्रशासन का सबसे छोटा इकाई क्या था? प्रशासन का जो सबसे छोटा इकाई था ऋग्वैदिक काल में वह था कुल और परिवार। कुल तथा परिवार ऋग्वैदिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। जो ऋग्वैदिक काल का जो समाज था, ऋग्वैदिक काल का जो राजनीतिक समाज था, वो कुल, ग्राम, बीस जन, राष्ट्र में विभाजित था। कुल, ग्राम, बीस जन, राष्ट्र, मतलब कुल से बड़ा ग्राम, ग्राम से फिर
कुलग्राम, उसके बाद बीस, उसके बाद जन, उसके बाद राष्ट्र, ऐसे था। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी कुल। जन प्रशासन की सर्वोच्च इकाई थी, जन जो थी प्रशासन की सर्वोच्च इकाई थी। राजा नियमित स्थायी सेना नहीं रखता था। देखिए, राजा उस समय स्थायी सेना नहीं रखता था ऋग्वैदिक काल में। नियमित और स्थायी सेना रखने का जो प्रचलन हुआ था उत्तरवैदिक काल में हुआ था। ऋग्वैदिक काल में राजा के पास कोई सेना नहीं होती थी, लेकिन जब संकट पड़ता था तो लोग उसका साथ देते थे, लोग खुद सैनिक बनकर उसका साथ देते थे। तो राजा नियमित स्थायी सेना नहीं रखता था उस समय। सभा, सभा और समिति और विद्वत, सभा समिति और विद्वत, यह तीन संस्थाएं थीं ऋग्वैदिक काल में। सभा समिति विद्वत, ये क्या क्या थीं? सभा क्या था? सभा श्रेष्ठ अभिजात लोगों की संस्था थी, कुछ न्यायिक अधिकार प्राप्त थे। सभा जो थी श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी, मतलब एक गांव है, अगर उस गांव में दो चार पाँच लोग सम्मानित लोग होते हैं तो उन लोगों का एक अलग ग्रुप था। तो वैसे ही उस समय सम्मानित लोगों की एक संस्था थी जिसे सभा कहते थे। और समिति क्या थी? समिति जनसाधारण की संस्था थी, समिति में हर कोई भाग लेता था। समिति यह जनसाधारण संस्था थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा गया है, मतलब आधुनिक लोकसभा और राज्यसभा की तरह थी सभा और समिति। विद्वत, विद्वत क्या था? सभा और समिति की तरह विद्वत भी एक संस्था था। विद्वत क्या था? संभवतः यह आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। विद्वत बहुत ही प्राचीन संस्था था आर्यों का, जब आर्य भारत में आए थे तभी से विद्वत था। तो संभवतः यह आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी विद्वत। विद्वत में लूटी गई वस्तु का बंटवारा होता था। देखिए, जब एक आक्रमणकारी दूसरे पर अटैक करता है तो उसकी जो भी वस्तुएं होती थी उसे छीन ली जाती थी, और उन वस्तुओं का जो बंटवारा होता था सैनिकों में हो जाता था। तो विद्वत वही संस्था थी जो जहां लूटी गई वस्तुओं का बंटवारा होता था। विद्वत में लूटी हुई वस्तुओं का बंटवारा होता था। ऋग्वेद में विद्वत का सर्वाधिक 122 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में किस शब्द का कितना बार उल्लेख किया गया इसे देखा गया है। जैसे कि हमने बताया कि इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में 250 बार है, अग्नि का उल्लेख 200 बार है, गंगा जी का उल्लेख सिर्फ एक बार है, यमुना जी का उल्लेख 3 बार है। तो इस तरह से है, वैसे ही ऋग्वेद में विद्वत जो संस्था है, विद्वत जो संस्था है इसका उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार है, 122 बार है। सभा का उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार है और समिति का उल्लेख 9 बार है। वैसे विद्वत जो संस्था थी उसका सबसे ज़्यादा 122 बार इसका उल्लेख मिला है। विद्वत में आध्यात्मिक विचार विमर्श भी होता था। विद्वत में, विद्वत जो संस्था थी उसमें आध्यात्मिक विचार विमर्श भी होता था। उत्तरवैदिक काल में इसे समान अधिकार नहीं मिला, उत्तरवैदिक काल में यह महत्वहीन हो गया विद्वत, या बस ऋग्वैदिक काल तक ही सीमित रहा। वैदिक काल के प्रमुख क्षेत्र, वैदिक काल के जो प्रमुख क्षेत्र थे वह कौन कौन थे? वैदिक काल के प्रमुख क्षेत्र थे सप्तसैंधव क्षेत्र, सप्तसैंधव क्षेत्र। वो सप्तसैंधव का मतलब होता है सप्तसैंधव क्षेत्र था जो गंगा जी। सप्तसैंधव में कौन कौन सी नदियों का क्षेत्र था? सप्तसैंधव मतलब सात नदियों का क्षेत्र था, उसमें सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाव, सतलज, सरस्वती। सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाव, सतलज, सरस्वती, इसीलिए इसे सप्तसैंधव क्षेत्र कहा जाता था। ब्रह्मवर्त जो क्षेत्र था वह क्या था? दिल्ली के समीप का क्षेत्र, दिल्ली के आसपास, आधुनिक दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था ऋग्वैदिक काल में उसे ब्रह्मवर्त बोला जाता था, ब्रह्मवर्त बोला जाता था। ब्रह्मर्षि देश किसे कहा जाता था? ब्रह्मर्षि देश किसे कहा जाता था? गंगा यमुना का जो दुआब था उसे ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था। जैसे आपको बता दूँ, जैसे गंगा जी जो हैं गंगोत्री से निकल कर ऐसे बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं, ऐसे गिर जाती हैं, और फिर इनके बाईं ओर से यमुना, यहाँ से यमुनोत्री से निकल कर ऐसे ही इलाहाबाद में मिल जाती है ऐसे यहाँ पर। तो दुआब उसे कहते हैं जब दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे दुआब कहते हैं। तो गंगा यमुना के जो बीच का क्षेत्र था उसे दुआब कहते हैं। तो यही जो दुआब का क्षेत्र है, गंगा यमुना का जो दुआब का क्षेत्र है, इसे ऋग्वैदिक काल में ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था। तो सप्तसैंधव जो था सात नदियों का क्षेत्र था, सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाव, सतलज, सरस्वती का क्षेत्र। ब्रह्मवर्त जो था दिल्ली के समीप का क्षेत्र था। ब्रह्मर्षि देश जो था गंगा यमुना का दुआब का क्षेत्र था। आर्यावर्त किसे कहते थे? हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र, हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत का जो क्षेत्र था वो आर्यावर्त कहलाता था। दक्षिणापथ किसे कहते थे? विंध्याचल पर्वत से लेकर, विंध्याचल पर्वत से लेकर दक्षिण तक के भाग को दक्षिणापथ कहा जाता था। उत्तरापथ किसे कहा जाता था? विंध्याचल के उत्तर में हिमालय का जो प्रदेश था, जो हिमालयी प्रदेश थे पर्वती, उसे उत्तरापथ कहा जाता था। यही वैदिक काल के प्रमुख क्षेत्र थे।
अन्य तथ्य देखते हैं। अन्य तथ्य क्या था? अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 1/16 भाग मिलता था। देखिए अथर्ववेद में माना गया है कि राजा को आय का 1/16 भाग मिलता था अथर्ववेद के अनुसार। वैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में, धर्मशास्त्रों में राजा को जो कर लेने का अधिकार था वह 1/6 था। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 1/16 भाग मिलता था, यह अथर्ववेद के अनुसार है। वैदिक काल में बलि एक प्रकार का कर था। देखिए वैदिक काल में बलि नामक एक कर लिया जाता था, बलि लिया जाता था, राजा को लोग बलि नामक एक कर देते थे। बलि जो था एक धार्मिक कर था, बलि जो था धार्मिक कर था जो हर कोई देता था। ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण एक ग्रंथ है, ऐत्रेय ब्राह्मण एक ग्रंथ है। उसमें क्या है, ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है तथा दुखों का स्रोत बताया गया है। यह महत्वपूर्ण लाइन है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है और समस्त दुखों का कारण बताया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है और समस्त दुखों का कारण बताया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में 5 दिशाओं में राजाओं का उल्लेख है कि जो राजा हुआ करते थे अलग अलग दिशा के हिसाब से उनका नाम बदल जाता था। जैसे जो राजा उत्तर की तरफ का था, उत्तर के राजाओं को विराट कहा जाता था, उत्तर के राजाओं को विराट कहा जाता था और दक्षिण के राजाओं को भोज कहा जाता था, पश्चिम के राजाओं को स्वराट कहा जाता था और पूर्व के राजाओं को सम्राट कहा जाता था और जो मध्य देश के जो राजा थे उन्हें राजा ही कहा जाता था। तो इस तरह से भारत के पाँच दिशाओं में जो राजा थे इस तरह इसका उल्लेख किया गया है कि उन्हें इस नाम उपनाम से जाना जाता था। और इसका जो उल्लेख किया गया है वह ऐत्रेय ब्राह्मण में ही 5 दिशाओं में राजाओं को उल्लेख किया गया है, ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण कहा गया है और ऐत्रेय ब्राह्मण में ही पुत्री को कृपण कहा गया है और समस्त दुखों का स्रोत बताया गया है। ऋग्वैदिक कालीन समाज कैसा था? ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक संबंध का आधार गोत्र या जन्म मूलक संबंध था। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक संबंध का जो आधार था वो गोत्र या जन्म मूलक संबंध था। व्यक्ति की पहचान गोत्र से होती थी, व्यक्ति की जो पहचान होती थी वो गोत्र से होती थी, गोत्र से होती थी। समाज कुछ हद तक समता मूलक था। देखिए ऋग्वैदिक कालीन का जो समाज था वह पूर्ण रूप से तो नहीं लेकिन कुछ हद तक समता मूलक था। लोगों के अंदर विभेद नहीं थे, मतलब कि वर्ण व्यवस्था का इतना कठोर पालन नहीं होता था, तो कुछ हद तक वह समतामूलक समाज था ऋग्वैदिक काल का समाज। लेकिन उत्तरवैदिक काल में इसमें बुराइयां आ गई थी, कर्मकांड ज़्यादा ही आ गए थे, लेकिन ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था वो समतामूलक समाज था। ऋग्वैदिक काल में समाज तीन भागों में विभाजित था ऋग्वैदिक कालीन का समाज, पुरोहित, राजन और सामान्य। ऋग्वैदिक काल में समाज तीन भागों में विभाजित था, पुरोहित, राजन और सामान्य। पुरोहित में जो ब्राह्मण होते थे वो आते थे, राजन में जो क्षत्रिय होते थे वो आते थे और सामान्य में आम नागरिक आते थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्ण मिलता है। देखिए जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसका उल्लेख जो सबसे पहले हुआ है ऋग्वेद के 10वें मंडल में हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का जिक्र है। समाज पितृसत्तात्मक था परंतु स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था और ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था परंतु इसमें स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी। देखिए पितृसत्तात्मक जरूर था लेकिन स्त्रियों को बराबर का हक अधिकार मिला था, स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी, उनको सम्मान मिलता था। उसी समय में अपाला, घोसा, सिक्ता, मैत्रेयी, इन महान विदुषी महिलाओं का उल्लेख भी मिलता है। इन सभी विदुषी महिलाओं, इन विद्वान महिलाओं ने बहुत सारे ऋग्वैदिक मंत्रों का रचना भी किया है। इस आधार पर माना जाता है कि उस समय में ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। स्त्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था, जैसे इस समय भी उपनयन संस्कार होता है जिस तरह ब्राह्मणों का, वैसे ही ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों का उपनयन संस्कार होता था, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। हालांकि उत्तरवैदिक काल में यह अधिकार छीन लिया गया स्त्रियों से, अब स्त्रियां चाहे किसी भी वर्ग की हों उन्हें उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया।
स्त्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था तथा शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। ऋग्वेदिक काल में स्त्रियां सभा समिति और विद्वत में भाग ले सकती थीं। स्त्रियों की बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता थी। स्त्रियां सभा और समिति और विद्वत जो मतलब एक तरह से राजनीतिक संगठन था उसमें भी भाग ले सकती थी, उसमें भी वाद विवाद तर्क वितर्क कर सकती थी। महिलाओं को पति के साथ यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था। अगर पति यज्ञ करता था तो उसमें भी यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था। अपाला, घोसा, लूपा मुद्रा, विश्वनारा, शिक्ता को वैदिक ऋचाएँ लिखने का श्रेय दिया जाता है। यह बात मैं बताया हूँ कि उस समय वैदिक मंत्रों की रचना स्त्रियाँ भी की थीं, जिसके आधार पर माना जा सकता है कि स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छा हद तक अच्छी थी। जब सभा समिति विद्वत में भाग ले रही हैं और वैदिक मंत्रों का संकलन कर रही हैं, महिलाएँ अपने पति के साथ बैठकर यज्ञ में भाग ले रही हैं, तो सब कुछ उपनयन संस्कार भी हो रहा है, उनको शिक्षा की व्यवस्था भी है। तो कुल मिलाकर स्त्रियों की अच्छी बहुत ही अच्छी थी ऋग्वैदिक काल में। जितनी बुराइयाँ थीं वो उत्तर वैदिक काल के बाद आती गईं। बाल विवाह, तलाक, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा प्रथा का प्रसंग नहीं था। देखिए, इस सारी बुराइयाँ नहीं थी ऋग्वैदिक काल में। न बाल विवाह होता था, न तलाक। तलाक तो फिलहाल भारतीय संस्कृति सभ्यता का अंग ही नहीं है। तलाक, बाल विवाह, तलाक, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा का उल्लेख नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता में और ऋग्वैदिक काल में। तो यह समय था विधवा विवाह एवं नियोग प्रथा का प्रचलन था। देखिए, विधवा विवाह और नियोग प्रथा का प्रचलन था ऋग्वैदिक काल में। जो सुधार थे वह थे, लेकिन जो कुप्रथाएँ थीं वह नहीं थीं। इस काल में दास प्रथा प्रचलित थी, परंतु दासों को घरेलू कार्यों में लगाया जाता था, कृषि कार्यों में नहीं लगाया जाता था। देखिए, ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा थी। दास प्रथा थी मतलब लोग दासों को भी रखते थे, दास दासियां रखी जाती थीं, लेकिन दास दासियों से सिर्फ घर में काम लिया जाता था, उनसे घरेलू काम लिया जाता था। ऐसा नहीं है उनसे कृषि कार्य काम नहीं लिया जाता, ऐसा नहीं है उनको खेतों में भेजा जाता हो, पत्थर पीटने को लगाया जाता हो, ऐसा काम नहीं किया जाता था, कराया जाता था। उनसे सिर्फ घर में काम लिया जाता था, केवल घरेलू कार्य कराए जाते थे। इस काल में दास प्रथा प्रचलित थी, परंतु दासों को घरेलू कार्य में लगाया जाता था, न कि कृषि कार्य में। देखिए, घरेलू कार्यों में ही दासों को लगाया जाता था, लेकिन दासों को कृषि कार्य में कब लगाया जाने लगा? दासों को कृषि कार्य में लगाया जाने लगा महाजनपद काल में, जो बुद्ध और महावीर स्वामी का काल था, बौद्ध जैन का काल था 600 ईसा पूर्व में। उस समय दासों को घरेलू कार्यों के साथ साथ कृषि कार्य में भी लगाया जाने लगा, क्योंकि कृषि का विकास होने लगा था उस समय। जीवन भर अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? जीवन भर अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजू कहा जाता था। देखिए, जो कन्याएं, जो स्त्रियां जीवन भर अविवाहित रहा करती थीं, उन्हें अमाजू कहा जाता था। अमाजू उपनाम से प्रचलित था। मुख्य भोजन क्या था? मुख्य भोजन जो था चावल और जौ था। देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य भोज्य पदार्थ था वह चावल था और जौ था। चावल को ब्रीही कहते थे। ब्रीही चावल को ऋग्वैदिक आर्य ब्रीही कहते थे। ब्रीही के रूप में चावल का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। तो मुख्य भोज पदार्थ था चावल और जौ। जौ को यव कहा जाता था और चावल को ब्रीही कहा जाता था। दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में है और यही मुख्य भोज्य पदार्थ थे। घोड़े का मांस अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर खाया जाता था। देखिए, जो घोड़े का मांस था वह अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर खाया जाता था। ऐसा भी सुना गया है विद्वानों के द्वारा, क्योंकि उस समय क्या, अगर अश्वमेध यज्ञ हुआ करते थे तो उस समय घोड़े के मांस को खाया जाता था। कुछ लोगों के द्वारा घोड़े के मांस खाए जाने का भी उल्लेख है। तो घोड़े का मांस अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर खाया जाता था। गाय को अघन्या कहा गया है ऋग्वेद में। गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या का मतलब होता है नौ मारने योग्य। जो मारने योग्य नहीं है उसे अघन्या बोलते हैं। तो गाय को अघन्या कहा जाता था उस समय। आभूषण, जो महत्वपूर्ण आभूषण है उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या है? कौड़ शोभन एक आभूषण है। देखिए, कान में जो आभूषण पहना करते थे उसे कौड़ शोभन कहते थे। सिर पर धारण करने वाले आभूषण, जो आभूषण सिर पर धारण करते थे, मतलब मुकुट टाइप के सिर पर धारण करने वाले आभूषण को कुरीर कहा जाता था। सिर पर धारण करने वाले आभूषण को कुरीर कहा जाता था। निष्क,
निष्क गले के आभूषण को, जो आभूषण गले में पहना जाता था उसे निष्क बोला जाता था। ज्योचनी, ज्योचनी किसे बोलते थे? अंगूठी को, अंगूठी को ज्योचनी बोलते थे। तो अंगूठी को ज्योचनी बोलते थे, गले के आभूषण को निष्क बोला जाता था, और सिर पर धारण करने वाले आभूषण को कुरीर बोला जाता था, कानों के आभूषण को कड़शोभन बोला जाता था। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था क्या है? ग्रामीण संस्कृति और पशुचारण मुख्य था, कृषि गौड़ व्यवसाय था। देखिए उस समय क्या था, उसमें पशुपालन मुख्य व्यवसाय था ऋग्वैदिक काल में, और कृषि जो था गौड़ व्यवसाय था, कृषि पर ध्यान नहीं दिया गया। उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया था। संपत्ति का जो मुख्य रूप था गोधन था, संपत्ति का मुख्य रूप गोधन था, गाय ही उस समय सबसे बड़ा धन था। तो संपत्ति का मुख्य रूप गोधन था, जिसके पास जितनी अधिक गाय होती थी वही सबसे शक्तिशाली होता था, वही सबसे धनवान होता था। तो संपत्ति का मुख्य रूप गोधन था। आर्य मुख्यतः तीन धातुओं से परिचित थे, सोना कांसा तांबा, और तीन धातुओं का उपयोग करना जानते थे, आर्य सोना कांसा और तांबा। ऋग्वैदिक कार्यों की बात हो रही है, सोना कांसा तांबा का प्रयोग करना जानते थे ऋग्वैदिक आर्य। बाद में लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल के लोगों को हो गया, लेकिन ऋग्वैदिक आर्यों के बारे में सोना कांसा और तांबा का ही ज्ञान था ऋग्वैदिक आर्यों को। तांबे और कांसे के उपयोग के लिए, तांबे और कांसे के लिए अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता था। देखिए तांबा को ऋग्वैदिक आर्य अयस्क कहते थे, और कांसा को भी अयस्क कहते थे। तांबे और कांसे को संयुक्त रूप से ऋग्वैदिक आर्य अयस्क कहते थे। तांबे और कांसे के लिए अयस्क शब्द का प्रयोग किया गया है, अयस्क शब्द का प्रयोग किया गया है। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ है। देखिए देखिए अतरंजी खड़ा में लोहे के खान मिले हैं, अतरंजी खड़ा में लोहे का साच मिला है, और उसी आधार पर यह पता लगाया गया है कि वह जो लोहा है वह 800 ईसा पूर्व का है, 800 ईसा पूर्व का वह लोहा है। इस आधार पर यह जानकारी मिली है कि ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन उत्तर वैदिक आर्य जो थे लोहे से जो परिचित थे उत्तर वैदिक आर्य। देखिए ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल माना जाता है, और 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल माना जाता है, और अतरंजी खेड़ा से जो लोहा प्राप्त हुआ है वह 800 ईसा पूर्व का है। इस आधार पर यह जानकारी मिल जाती है कि ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे, बाद में उत्तर वैदिक काल के उत्तरार्ध में लोग लोहे से परिचित हुए थे। ऋग्वेद में एक ही अनाज जौ का उल्लेख हुआ है, ऋग्वेद में वस्त्र बनाना प्रमुख शिल्प था, ये काम स्त्रियां करती थीं। ऋग्वैदिक काल में वस्त्र बनाया जाता था, तो वस्त्र बनाना एक महत्वपूर्ण कार्य था, यह कार्य स्त्रियां करती थीं। ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं मिलता है, देखिए बहुत ही ताज्जुब वाली बात है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास का ज़्यादा उत्पादन करते थे, और फिर कपास का निर्यात भी किया करते थे दूसरे देश से, सूती कपड़े पहनते थे, लेकिन ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। हालांकि ऋग्वेद के लोग कपास से बने हुए वस्त्र पहनते थे, जरूर थे, लेकिन कपास का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। व्यापारियों को पड़ी कहा जाता था, जो व्यापारी होते थे उन्हें ऋग्वेद में पड़ी कहा गया है, व्यापारियों को पड़ी कहा गया है ऋग्वेद में, इनको इसी उपनाम से बोला जाता था, पड़ी। मुद्रा के रूप में निष्क एवं सतनाम का उल्लेख मिलता है, परंतु यह नियमित मुद्रा नहीं थी। देखिए ऋग्वैदिक काल में वस्तु विनिमय ही ज़्यादा प्रचलित थी, लोग एक वस्तु से दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करते थे, लेकिन उसमें निष्क और सतनाम दो मुद्राएं थीं, निष्क और सतनाम। सतनाम चांदी की मुद्रा थी और निष्क सोने की मुद्रा थी, संभवतः सतनाम और निष्क दो मुद्राएं थीं, इनका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, परंतु यह नियमित मुद्रा नहीं थी, मतलब प्रचलन में नहीं था निष्क और सतनाम। ऋग्वैदिक धर्म किस्ती, ऋग्वैदिक जो थी धर्म किस्ती क्या है, लोग बहुदेववाद होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। ऋग्वैदिक धर्म की स्थिति, लोग बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। ऋग्वैदिक धर्म की स्थिति क्या थी, लोग बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, मतलब कि उस समय ऋग्वैदिक काल में इंद्र की पूजा, अग्नि की पूजा, वरुण की पूजा, रुद्र की पूजा इस तरह की जाती थी ऋग्वैदिक काल में, लेकिन बहुदेववादी समाज था, लेकिन उसके बावजूद भी वह एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, मानते थे कि ब्रह्म सिर्फ एक है,
ब्रह्म की परिकल्पना की गई थी ऋग्वेद में कि समस्त संसार का मालिक कोई एक ईश्वर है। धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजक और यज्ञ केंद्रित था, बिल्कुल सटीक है। ऋग्वैदिक काल का जो समाज था, ऋग्वैदिक काल का जो धर्म था वो प्रकृति पूजक था, बिल्कुल। नदियों की पूजा होती थी, सरस्वती नदी को विशेष पवित्र स्थान दिया गया था। नदियों की पूजा, वृक्षों की पूजा, पर्वतों की पूजा आदि ऋग्वेद में इसका जिक्र है। तो ऋग्वैदिक जो समाज था, ऋग्वैदिक धार्मिक समाज जो था वो प्रकृति पूजक था और यज्ञ केंद्रित था। मतलब मूर्तियों की पूजा नहीं होती थी, मूर्ति पूजा नहीं होती थी। देवताओं को प्रसन्न कराने के लिए यज्ञ होते थे, यज्ञों का संपादन किया जाता था। प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करके उसकी पूजा की जाती थी, प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करके पूजा की जाती थी। ऋग्वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करके उनकी पूजा की जाती थी। जैसे एक मान लीजिए सरस्वती नदी की पूजा की जा रही है, तो सरस्वती नदी को एक देवी का आकार दे दिया जाता था और उनकी पूजा की जाती थी। तो प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करके उनकी पूजा की जाती थी। ये था इंद्र। देखिए इंद्र एक महत्वपूर्ण देवता थे ऋग्वैदिक काल में। इंद्र की पूजा गाय खोजने वाले देवता के रूप में की जाती थी। इंद्र की पूजा गाय खोजने वाले देवता के रूप में की जाती थी, मतलब अगर गाय लुप्त हो जाती थी तो इंद्र की पूजा की जाती थी। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है, इंद्र को युद्ध का देवता भी कहा गया है और गाय खोजने वाला देवता भी कहा गया है। इंद्र को शर्मा, देखिए शर्मा एक भी देवता थी, वह एक कुतिया थी, शर्मा एक कुतिया थी, वह उसकी भी पूजा होती थी शर्मा की। वृषभ मतलब बैल की पूजा होती थी। सूर्य की पूजा होती थी, सूर्य की पूजा अश्व के रूप में होती थी, सूर्य की पूजा होती थी लेकिन अश्व के रूप में होती थी, घोड़े के रूप में होती थी सूर्य की पूजा। ऋग्वैदिक देवकुल में देवियों की संख्या नगर थी। देखिए हम बता चुके हैं ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वह पुरुष प्रधान था, पितृसत्तात्मक था, तो पुरुष देवताओं की ही ज़्यादा पूजा होती थी, पुरुष देवताओं की ही प्रधानता थी। ऋग्वेद में जो देवियाँ थीं उनका महत्व बहुत नगण्य था, उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। देवियाँ थीं उनकी पूजा होती थी लेकिन उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, ज़्यादा महत्व पुरुष देवताओं को ही दिया गया। तो ऋग्वैदिक देवकुल में देवियों की संख्या थी वो नगण्य थी। 33 देवताओं की 3 श्रेणियाँ थीं। देखिए 33 देवताओं की 3 श्रेणियाँ थी ऋग्वेद में। ऋग्वेद में देवियों की संख्या नगण्य थी और 33 देवताओं की 3 श्रेणियाँ थीं, आकाश का देवता, अंतरिक्ष का देवता, पृथ्वी का देवता। देखिए अक्सर आप लोग सुने होंगे कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 कोटि देवता हैं, तो आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाते हैं कि 33 करोड़ का 33 कोटि लिखा है, करोड़ नहीं है, कोटि को आप करोड़ के रूप में समझ लेते हैं। देखिए कोटि का एक मतलब होता है प्रकार, तो यहाँ 33 प्रकार के देवता हैं। मेन मतलब है, मुख्य यह बात है कि 33 प्रकार के देवता सनातन धर्म में हैं, हिंदू धर्म में 33 प्रकार के देवता हैं, 33 कोटि देवता हैं, और आप इसे करोड़ों में माप लेते हैं। 33 करोड़ देवता नहीं है, 33 देवता हैं। तो 33 देवताओं की 3 श्रेणियां हैं, आकाश के देवता, अंतरिक्ष का देवता, पृथ्वी के देवता। आकाश के देवता कौन है, आकाश के देवता कौन कौन थे, आकाश के देवता थे धौ, देखिए आकाश के देवता कौन कौन थे, आकाश के देवता थे धौ, वरुण, मित्र, सूर्य, पूफण, विष्णु, आदित्य। आकाश के देवता में कौन कौन सम्मिलित थे, धौ, वरुण, मित्र, सूर्य, पूफण और विष्णु और आदित्य। धौ, वरुण, मित्र, सूर्य, पुरुष, पूफण, विष्णु और आदित्य। जो धौ जो थे सबसे प्राचीन देवता माने जाते हैं, सबसे प्राचीन देवता धौ होते हैं, और आकाश के देवताओं में धौ, वरुण, मित्र, सूर्य, पूफण, विष्णु और आदित्य। अंतरिक्ष के देवता में कौन कौन से समाहित थे, तो अंतरिक्ष के देवताओं में थे इंद्र, मरुत, वायु, रुद्र। इंद्र, मरुत, वायु, रुद्र, मरुत का उल्लेख नहीं है, मरुत भी हैं, इंद्र, वायु, पर्जन्य, यम, प्रजापति आदि अंतरिक्ष देवता हैं। इंद्र, वायु, मरुत, पर्जन्य, यम और प्रजापति आदि अंतरिक्ष के देवता हैं। पृथ्वी के देवता कौन कौन है, पृथ्वी के देवता में पृथ्वी अग्नि सोम बृहस्पति आदि पृथ्वी के देवता हैं।
तो इसी आप समझ सकते हैं सोमवार और बृहस्पतिवार दो वार है जो पृथ्वी पर ही पड़ता है। तो सोम और बृहस्पति जो है पृथ्वी होता है, पृथ्वी भी पृथ्वी होता है और पृथ्वी पर अग्नि, अग्नि जो है पृथ्वी पृथ्वी की होता है बिल्कुल। धौस, धौस जो आकाश के देवता हैं, धौ को ऋग्वैदिक कालीन देवों में सबसे प्राचीन माना जाता है, बता चुके हैं सबसे प्राचीन देवता हैं धौ। ऋग्वेद में इंद्र की समस्त संसार का, ऋग्वेद में इंद्र को समस्त संसार का स्वामी या वर्षा का देवता माना गया है। देखिए ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को माना गया है और इंद्र का उल्लेख सबसे ज़्यादा ही बार 250 बार इंद्र का उल्लेख हुआ है। तो ऋग्वेद में इंद्र को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया है, ऋग्वेद में इंद्र को समस्त संसार का स्वामी माना गया है एवं वर्षा का देवता माना गया है। ऋग्वेद में इंद्र को समस्त संसार का स्वामी माना गया है और वर्षा का देवता माना गया है इंद्र को। और आज भी आप जानते हैं कि वर्षा का देवता ही है इंद्र, क्योंकि जब आप खुद श्री कृष्ण लीला आप देखे होंगे, जब इंद्र को गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, तो वह गोकुल में बारिश ला देते हैं, खूब ज़्यादा बारिश कराते हैं और बाद में गोवर्धन में भगवान श्री कृष्ण और समस्त गोकुलवासी को आश्रय लेना पड़ता है। इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि ऋग्वेद में इंद्र को समस्त संसार का स्वामी माना गया है और उन्हें वर्षा का देवता कहा गया है। अग्नि देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ था। देखिए अग्नि को मध्यस्थ देवता कहा गया है, अग्नि को वह देवता माना गया है जो मनुष्य और देवताओं में मध्यस्थता का काम करते हैं। अग्नि देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ थे। वरुण को ऋतस्व गोपा कहा गया है, वरुण को ऋतस्व गोपा कहा गया है। ऋग्वेद में वरुण को कहा गया है ऋतस्व गोपा, ऋतस्व गोपा कहा गया है वरुण को, वरुण में मतलब वरुण को ऋग्वेद में ऋतस्व गोपा नाम दिया गया है। सोम को पेय पदार्थ का देवता माना गया है। ऋग्वेद के नवमें मंडल में सोम का उल्लेख है और सोम एक देवता थे जिनको पेय पदार्थों का देवता माना गया है, पेय पदार्थों का देवता माना गया है सोम को। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उल्लेखित है जिसकी रचना विश्वामित्र ने की जो सूर्य को समर्पित है। ऋग्वैदिक धर्म की दृष्टि मानवीय और इहलौकिक है, इसमें मोक्ष की संकल्पना नहीं थी। ऋग्वैदिक धर्म की जो दृष्टि थी वह मानवीय और इहलौकिक थी, मतलब भौतिकवादी था, इसमें मोक्ष की संकल्पना नहीं की गई थी। ऋग्वैदिक धर्म में उपासना की विधि प्रार्थना और यज्ञ थी, उसमें उपासना की जो विधि थी, जो पूजा पाठ होता था वो यज्ञ द्वारा ही होता था, प्रार्थना किया जाता था और यज्ञ होता था, मतलब मूर्ति पूजा नहीं था उसमें। यज्ञ के स्थान पर प्रार्थना का अधिक प्रचलन था, प्रार्थना मतलब मंत्र पढ़ना, ध्यान लगाना। वैदिक काल में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, देखिए राजा को गुप्ता कहा जाता था, वैदिक काल में राजा को गुप्ता कहा जाता था। अतिथि को क्या कहा जाता था, अतिथि को गोहंता या गोहन कहा जाता था। युद्ध के लिए गविष्टि गेसु गम्य, ऋग्वेद में युद्ध के लिए गविष्टि गेसु गम्य आदि का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में युद्ध के लिए गविष्टि गेसु गम्य का उल्लेख किया गया है। गाय को ऋग्वेद में अघन्या कहा गया है, अघन्या जो न मारने योग्य। हल को ऋग्वेद में लागल कहा गया है, लागल। सीता, खेत में हल चलाने के बाद जो नालियाँ, देखिए आप लोग जानते हैं कि खेत में जब किसान हल चलाता है तो ऐसी नालियाँ बन जाती थी, तो उन नालियों को सीता कहा गया है ऋग्वेद में, सीता। बढ़ई को ऋग्वेद में तक्षण कहा गया है, बढ़ई को ऋग्वेद में तक्षण कहा गया है। नाई जो बाल काटते हैं उनको ऋग्वेद में वाप्ती कहा गया है, वाप्ती। मरुस्थल को ऋग्वेद में धन्व कहा गया है, धन्व कहा गया है। अनाज को ऋग्वेद में धान्य कहा गया है। उर्वरा को जूते हुए खेत कहा गया है, उर्वरा को, देखिए जूते हुए खेत को जो खेत जूते हुए होते थे उन्हें उर्वरा कहा गया ऋग्वेद में। जो चारागाह होते थे जहाँ गाय बकरियाँ आदि चरती थीं उन्हें खिल्य कहा गया है ऋग्वेद में। चारागाह के लिए एक शब्द है खिल्य। सुदखोर जो होते थे उन्हें बेकनाट कहा गया है, जो सुद का काम करते हैं सूद लेते थे उस समय उन्हें बेकनाट कहा गया है। चारागाह प्रमुख को बाज्रपति कहा गया है, मतलब उस समय जो चारागाहों के प्रमुख थे
प्रमुख होते थे, जो चारागाहों के प्रधान होते थे। चारागाह जिनके नियंत्रण में रहता था उन्हें वाज्रपति कहा गया है, और चारागाह को किले कहा गया है, और चारागाहों के जो मुखिया होते थे उन्हें वाज्रपति कहा गया है। परिवार का प्रधान कुलप होता था, परिवार का जो प्रधान होता था, जो परिवार का मुखिया होता था, उसे कुलप कहा जाता था। कुलप गुप्तचर को अस्पस कहा गया है, अस्पस कहा गया है गुप्तचर को, अस्पस कहा गया है, मतलब जो गुप्तचर का गुप्तचरी का काम करते थे उन्हें अस्पस कहा गया है ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक वर्तमान नदियों के ऋग्वैदिक नाम, देखिए आज भी जो भी है, गंगा है, यमुना है, झेलम है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, चिनाब है, गंडक है, यह सभी नदियां हैं, लेकिन प्राचीन समय में इनका नाम कुछ और होता था, जो अब बदलकर कुछ और हो गया है धीरे धीरे। देखिए ऋग्वेद में अफगानिस्तान में बहने वाली नदियों का भी उल्लेख है, जैसे कुर्रम नदी, काबुल नदी, स्वात नदी, इसका उल्लेख है ऋग्वेद में, क्योंकि अफगानिस्तान उस समय ऋग्वैदिक आर्यों का स्थल भी था, सब सैंधव क्षेत्र में ही अफगानिस्तान आता था, तो उस समय अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख है। अफगानिस्तान में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है कुर्रम, कुर्रम नदी का उल्लेख है ऋग्वेद में। क्रूमू नाम से उल्लेख है, क्रूमू कहा गया है ऋग्वेद में कुर्रम को। काबुल नदी को कुभा कहा गया है, कुभा। झेलम नदी को बीतस्ता, झेलम नदी को बीतस्ता कहा गया है। ब्यास नदी को बिपाशा कहा गया है। घग्घर नदी जो आज भी है घग्घर नदी, उसे दृष्टावती कहा गया है, दृष्टावती कहा गया घग्घर नदी को। चिनाव नदी जो बहती है उसे अश्किनी कहा गया है, अश्किनी कहा गया है चिनाव नदी को। पर रावी नदी को पुरफड़ी कहा गया है, सतलज नदी को सूत्रदी कहा गया है, और गंडक नदी सदानीरा कहा गया, गंडक नदी को सदानीरा नदी कहा गया है ऋग्वेद में। यह सभी नदियों के प्राचीन नाम हैं। ऋग्वैदिक देवियाँ, ऋग्वेद में जो देवताएँ जो आपको पता ही होगा, इंद्र हैं, मरुत हैं, वायु हैं, रुद्र हैं, प्रजापति, यह सभी ऋग्वैदिक देवता थे। लेकिन ऋग्वैदिक जो देवियाँ महत्वपूर्ण थीं वह कौन थीं? उसमें थीं अदिति, उषा, पृथ्वी, आपह, रात्रि, अर्याणी, अइला, यह ऋग्वैदिककालीन देवियाँ थीं उस समय। ऋग्वैदिक यज्ञ ऋग्वैदिक काल में अनेक यज्ञ होते थे, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, अग्निष्ठोम यज्ञ, ये सब यज्ञ हुआ करते थे। इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जो राजसूय यज्ञ होता था राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित था, राजसूय यज्ञ जो था राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित था, मतलब जब किसी राजा का राजाभिषेक होता था उस समय राजसूय यज्ञ कराया जाता था, राजसूय यज्ञ कराया जाता था, तो उस राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित था राजसूय यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ क्या था? शौर्य प्रदर्शन व मनोरंजन से संबंधित यज्ञ था। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन एवं मनोरंजन से संबंधित यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ जो था राजनीतिक विस्तार हेतु यह यज्ञ होता था। इसमें घोड़े की बलि दी जाती थी, इसमें कुछ सैनिकों के साथ घोड़ा स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता था, वह घोड़ा जितने क्षेत्रों में जाता था वहां राजा का अधिकार हो जाता था। अगर किसी कोई व्यक्ति उस घोड़े को रोकता था तो राजा से उसे युद्ध करना होता था, यही अश्वमेध यज्ञ था। तो अग्निष्ठोम यज्ञ क्या है इसे देखते हैं। अग्निष्ठोम यज्ञ क्या है? देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि में पशु बलि दी जाती थी, इसे अग्निष्ठोम यज्ञ कहा जाता था। उसमें यज्ञ होता था और उस यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती थी, उसे अग्निष्ठोम यज्ञ बोलते हैं। तो यह चार प्रकार के यज्ञ होते थे ऋग्वेद में, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निष्ठोम यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। तो दोस्तों यह सिंधु घाटी सभ्यता भी कंप्लीट है और वैदिक काल की जो सभ्यता ऋग्वैदिक काल जो था वो भी कंप्लीट है। कुल मिलाकर सिंधु घाटी सभ्यता और ऋग्वैदिक काल, इन दोनों का हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से संपूर्ण अध्ययन कर चुके हैं हम लोग, और यकीन मानिए कि हम जो भी तैयारी करेंगे वो 100% करेंगे पूरी तरह से, तो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। यह पहला पार्ट था, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।